लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहुंचेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? ठंडी थाली। अरे तू आस्ते चलाना, रास्ता गीला है, स्लिप हो जाएंगे। अबे रमेश के बच्चे, तू धीरे चलाना। वैसे मैं रमेश का बच्चा नहीं, मैं बच्चा हूँ स्वर्गीय श्री उमेश कुमार सक्सेना जी का। अरे तुम किसी के भी बच्चे हो, लेकिन तुम नो एंट्री के अंदर घुसे जा रहे हो। अबे छोड़ ना यार, यहाँ हर उचित स्थान पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ, अगर मैं घुस भी गया हूँ तो कौन सा बुरा कर दिया। अब फिर साला यहाँ कौन सा आर डी पाने वाला। इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत जल्दी सीधे तरह उतरते हो क्या अंदर कर दूं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम गुनहगार हैं, आप तो कानून वाले हैं ना, आपके लिए कानून ही सब कुछ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है, लेकिन आप क्यों परेशान होने लगे? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने मुझे यहाँ रोका और उन्हें वहां कुछ हो गया तो मर जाऊंगा। मैं मुझे मालूम है मैं नोएंट्री में घुस गया हूँ, आप इससे पूछ लीजिए मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। पहले बोलना चाहिए था, आपकी पिताजी की तबीयत खराब है, क्या करूँ मैं, मुसीबत में। अपने दोस्त को संभाल के लेके जाओ। अच्छा, थैंक यू बोलना यार, थैंक यू।
तेरी तो देखा आपने, मेरे दोस्त में यही एक खराबी है, सच की तरह यकीन के साथ झूठ बोलता है। अबे साले तेरी उल्टी खोपड़ी में ये सीधी बात क्यों नहीं आती कि सच आउट ऑफ फैशन हो गया? जब लोगों को सच सुनने की तमीज हो जाएगी तो हम भी सच साफ साफ बोलना शुरू कर देंगे। अबे क्या यार, हमें देख, 3 बरस हो गए हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए, जूतियां चरखा रहे हैं शहर में, लेकिन नौकरी नहीं मिली अभी तक। लेकिन आज हमें जरूर मिल जाएगी, हाँ जरूर मिल जाएगी, क्योंकि हमने झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर ली है। May I come in, sir? Come in, Mr. Saxena. Please take your seat. Good morning, sir. Morning. Thank you. आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, जस्ट अ मिनट। हेलो, स्पीकिंग। हाँ, जस्ट अ मिनट, मिस्टर पी के सरन ऑन द लाइन फॉर यू। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द ट्रबल सर। जी हाँ, फरमाइए पी के साहब। कान खोल के सुन ले रमेश। जी हाँ बोलिए। अब मैं किसी उल्टे सीधे काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। देखिए, आनंद लोक छोड़ते वक्त मिस्टर मुखर्जी ने मुझसे यही कहा था, और उसके बाद मैंने आज तक आनंद लोक में कदम नहीं रखा। आई एम क्रिएटिव इन्वेस्टिगेटिव फोटोग्राफर, आई केयर टू हूट्स फॉर योर मंथली रैक। बहुत खूब इंप्रेशन जमाओ बेटा। रिश्वत? आप मुझे नोटों की गड्डियां दिखाकर खरीदना चाहते? मिस्टर सरन, मैं फ्री प्रेस की आत्मा हूं, फ्री प्रेस की आत्मा। कहीं ये तेरी झूठ पकड़ी गई ना तो सिर्फ आत्मा ही रह जाएगी। देखिए मिस्टर सरन, एक बार मैं मना कर चुका हूं, इट मींस नो, नो मींस नो। साले क्या कहा गधे? क्या कहा मिस्टर सरन? जिस अखबार के लिए मैं काम करने जा रहा हूं, जिसका इंटरव्यू देने के लिए मैं यहां हूं, एक चिथा है, एक ऑनेस्ट, एक सिंसियर, एक विवेकशील अखबार को आप चिथा कहकर पुकार रहे हैं आप? हाउ डेयर यू मिस्टर सरन, हाउ डेयर यू? गो टू हेल पीके, आई एम हायरिंग मिस्टर सक्सेना। Rubbish! Wish you best of luck, Mr. Saxena. Wish you best of luck. Thank you, sir. Thank you. Logan, तू एक textile engineer, फिर photographer कहाँ से बन गया? जिस तरह तू first class first, chemist, dramatist और playwright कैसे हो गया? इस देश का भाई यही हाल, जिसे जहाँ होना चाहिए, वो वहाँ नहीं। यानी कि यहाँ सब कुछ उल्टा सीधा है, समझे? यहाँ की राजनीति उल्टी, जनता सीधी। यानी कि यहां अपना काम सीधा कराने के लिए उल्टा होना ही पड़ेगा। तेरी कुछ समझ में आई? नहीं। अबे ओए, मैं काम वाला आदमी हूं साले, तुझे समझाने के लिए मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। तू अपने समझदारी का इलाज करा, मैं चलता हूं। अरे काम वाले आदमी, जाते जाते दीदी से मिलते जाना। मिल लूंगा। तुम कहीं बीमार ना हो इसलिए बिचारी देखने आई थी। तू फिक्र मत कर। दरवाजे बाजी, इधर देख। अब आई बाजी की याद, इतने दिन कहाँ था? मैं परेशानी हो गई थी कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई? दुआ मांग मांग के हाथ दुख गए। बाजी, इन दुआओं का तो असर है कि आपके भाई को आज नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई? मिल गई, शुक्र है खुदा का। पार्टनर, क्या बात है, स्कूल नहीं गए अभी तक? जा ही रहा था कि छींक आ गई, तो अम्मी ने कहा 5 मिनट बैठ जाओ, बैठ गया। फिर निकला तो काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो अम्मी मुझे वापस लौटा लाई और कहा कि आज स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक ही तो है इस प्रकार। बाजी, अगर इस छोटे खां की तकदीर वो काली बिल्ली और अच्छी पर महता जाए, फिर तो इनका होता ही हाथ। लेकिन मैं कुछ नहीं। हाँ बेटे, ये लो अपना पस्ता और स्कूल भागो। क्या भैया? अगर पार्टनर, आज मिठाई क्यों लाए? पार्टनर, ये हम शाम को बताएंगे, अभी तुम भागो। ये लो एक और, स्कूल में खा लेना। ओके, शाम को बात करते हैं। अरे घंटा, अरे ज्यादा कहा, सुन। अरे उसे बस स्टॉप तक तो छोड़ो। ठीक है, क्यों 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 उसे नहीं बनाते हो? देखो ना, आज पहली बार उसके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है स्कूल जाते वक्त। बाजी सच पूछो ना, तो ये बच्चों को आधा तो उनकी माए बर्बाद करती है और आधा ये काली बिल्ली और छींके। अरे रहने क्या, तू बड़े होकर किसी काम के नहीं रहते, बहुत दिखलवाए ना भी नहीं जाते। बदतमीज कहीं का। बाजी देखो ना, जो बच्चे गिरते पड़ते बड़े होते हैं ना,
वही अपने लिए कुछ कर पाते हैं और अपने देश के लिए भी कुछ कर पाते हैं, समझे ना? अभी तुम निश्चिंत हो जाओ, आराम से खाओ। फातिमा भाई, फातिमा भाई। क्या? बाबू, 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 ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? या अल्लाह, ये कैसे हो गया? बाबू, मेरे बच्चे, या अल्लाह। बेटा, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बिल्ली रास्ता काट के उसे मत जाने दो, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, कभी कोई बात नहीं सुनते हो। देखो अब क्या हो गया? बाजी, प्लीज बाजी, जितना आपको कहना है ना बाद में कह लीजिएगा, अभी अभी से डॉक्टर की जरूरत है। मैं अभी यहाँ डॉक्टर का इंतजाम करते हैं। हेलो, क्या मैं डॉक्टर मलिक से बात कर सकता हूँ जी? डॉक्टर मलिक स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, एक बुढ़िया का हार्ट टूट गया है, बेचारी गरीब है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। सॉरी, मेरे पास दो महीने तक कोई टाइम नहीं है। हेलो हेलो, डॉक्टर मलिक देयर? डॉक्टर मलिक स्पीकिंग। डॉक्टर मलिक, आई एम चीफ मिनिस्टर पीआरओ औरंगाबाद कर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। लिसन, लिसनिंग, चीफ मिनिस्टर साहब के गांव से एक मेहमान आई हुई है, उसके बच्चे की टांग टूट गई है। कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। यू नो चीफ मिनिस्टर साहब तुम्हारे कायल है। वेरी नाइस ऑफ हिम सर, आई एम जस्ट कमिंग। वो क्या बात है कि आप मत आइए, मैं ही बच्चों को लेकर वहां आता हूँ। ओ नहीं, वो क्या है, फोटोग्राफी का चक्कर है, कुछ प्रेस का मामला है, इसलिए तो मुझे भेज रहे हैं, समझा के नेशनल इंटीग्रेशन। यू नो व्हाट आई मीन? यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल सर। हेलो, यू डू कम, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, थैंक यू। चलिए बाजी, आप चाहे तो बच्चे को घर ले जा सकती है, डरने की कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहे तो बच्चे को दो चार दिन यहाँ रख लूं। मिस्टर औरंगाबाद कर। औरंगाबाद कर, तुम रमेश से औरंगाबाद कर कब हो गए? बाजी, मेरा पूरा नाम ले रहे हैं, रमेश औरंगाबाद कर। मिस्टर औरंगाबाद कर, मेरा साला अमेरिका से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पीएचडी पास करके आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही वो यहाँ आए तो फौरन केमिकल इंडस्ट्री में एक फैक्ट्री खुलवा दूं। क्यों नहीं, मैं केमिकल इंडस्ट्रीज का आजकल बहुत स्कोप है साहब। मैम, जैसे आपका साला आए, आप उसे बोल दीजिए, नहीं तो आप खुद मेरे पास ले आइए, मैं सीएम से सिफारिश कर दूंगा, लोन वोन भी मिल जाएगा और जमीन का इंतजाम भी हो जाएगा। मिस्टर औरंगाबाद कर, मुझे वही तो चाहिए, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, मेरी आप वही करिए। मिस्टर डॉक्टर साहब, मैंने अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब को फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपके पास किसी बच्चे को नहीं भेजा। जी डॉक्टर साहब, मुझे तो ये कोई पक्का 420 फ्रॉड मालूम होता है। ओ नो, मुझे उल्लू बना के जा रहा है, मैं देख लूंगा तुझे, यू चीट। जल्दी कीजिए बाजी, भाग गए। रमेश, तुम्हारी ये 420 हमें अच्छी नहीं लगी, अल्लाह ताला को बेईमानी कतई मंजूर नहीं। है खुदा, है खुदा, ऐसा मैंने क्या किया, तेरी दुनिया है मुझसे खफा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐसा मैंने क्या किया, तेरी दुनिया है मुझसे खफा। जब तेरी दुनिया का हर काम है उल्टा, क्या मेरी खता जो मुझसे हुआ कोई काम उल्टा सीधा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐसा मैंने क्या किया, तेरी दुनिया है मुझसे खफा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐसा मैंने क्या किया, तेरी दुनिया है मुझसे खफा। इंसान हुआ फिर मैं कैसे न सुनता, बच्चा तड़पे जख्मी रोए ममता, इंसान हुआ फिर मैं
सुनता रोते को हंसा आया बिगड़ी तो बना आया जलता घर कोई न देखे मूरत पे तो गंगा जल जग फेंके मजबूर का जलता घर कोई न देखे वो घर तो बचाना था फिर मालिक तू ही बता क्या मेरी खता जो मुझसे हुआ कोई काम उल्टा सीधा है खुदा ऐसा मैंने क्या किया तेरी दुनिया है मुझसे ऐ खुदा ऐसा मैंने क्या किया तेरी दुनिया है मुझसे क्या बात है ड्राइवर हॉर्न क्यों बजा रहे हो साहब कुछ लड़कियां साइकिल चला रही हैं पीछे ही नहीं हट रही हैं I am cute. I'm not as innocent as I seem. Sexy siren. Oh, come on, love me. Disgusting. ये लड़कियां कल की होने वाली माएं हैं. हट जाओ, बाजू हटो. नहीं क्या? इतनी जोर से हॉर्न बजाने की क्या जरूरत है? नहीं हटते जाओ. इसे सड़क इनके बाप की है. Haven't you learned manners? Where are your manners? Oh my God! It's Come my on, daddy. Get out of the side. Daddy? It's my dad, yaar. Oh. Quick, cover me. No civic sense. Thank God. अगर डैडी मुझे देख लिया, तो मारी डालेंगे मुझे. मुझे घर जल्दी पहुंचना चाहिए. तो आप कैसे जाएगी? Shortcut. अरे 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 हिटलर बाबा अरे अरे सांप के आने का वक्त हो गया है चुप हो जाओ जल्दी करो अरे 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 चुप हिटलर बाबू को बात दिया जी अभी शुरू किया था कि हमको पिछोड़ दिया मैं आजकल बहुत शिकायत सुन रहा हूँ तुम्हारी ये तो बदतमीजी की बात है तीन घंटे के कायदे तनहाई जाओ शोभा कहाँ है? वो हाय डैड ये साड़ी कैसी लगी डैडी? प्योरली ट्रेडिशनल और इंडियन मोटिव है है ना हाँ है इस लड़की को तो 200 बरस पहले जन्म लेना चाहिए था अपने जमाने का तो कुछ भी नहीं इसमें ये तो होना ही चाहिए भारतीयता भी कोई चीज होती है यही तो मैं भी कहती हूँ तो फिर मॉडर्न एजुकेशन देने की क्या जरूरत है मॉडर्न एजुकेशन का मतलब क्या ये है कि लड़की लड़का लगने लगे पर कटी चमगादड़ की तरह दहने फड़फड़ाती फिरे न लाज न शर्म और क्या टाइट जर्सी टाइट जीन्स छी 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 मुझे देखती बहुत शर्म आती है अब वो फल का बेहुदा स्लोगन्स आज मैंने देखी सड़क पर कुछ लड़कियां पीठ पर लाल अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कम ऑन लव मी ओ तुम तो प्री हिस्टोरिक आत्मा लेकर पैदा हुए हो आजकल लड़कियों को चलती बसों से उतरना चढ़ना पड़ता है बाजार जाना पड़ता है ऑफिस जाना पड़ता है तुम भी जाओ शॉपिंग करने के लिए टाइट जींस और टाइट टी-शर्ट पर कम ऑन लव मी लिखवाकर
क्यों नहीं, चाह भी सकती हूँ। हाय, जाती हो तो जाओ, फिर ना आना ख्वाब में। क्या है जूता? ये जूते खाने वाला कितना खुशनसीब है, पिट रहा है लेकिन उसने की गरीब है। आपको शर्म नहीं आती तरुण भैया? आती है कभी कभी, पर क्यों? आपने अपने महान साप्ताहिक का ये नया एडिशन देखा? हाँ देख चुका हूँ, क्यों? ये देखिए। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं लिविंग जर्नलिज्म। व्हाट? तरुण भैया ठीक है, तो ये तस्वीर मैं डैडी को दिखा दूंगी। अरे ये तो तुम्हारी तस्वीर है। हाँ, और उस लफंगी फोटोग्राफर को दो जूते मार के निकालने की जगह आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। लिविंग जर्नलिज्म, वंडरफुल। अब आप डैडी का लिविंग गुस्सा भी देख लीजिए। अरे 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 सुनो तो, मामा जी से न कहना। क्यों ना कहूँ, जरूर कहूंगी। आप उस दो टकी फोटोग्राफर की पीठ थपथपाइए कि उसने आपकी बहन की ऐसी गंदी तस्वीर खींची। देखिए तरुण भैया, अगर आपने उसे डिसमिस न किया तो ये तस्वीर मैं डैडी को दिखला दूंगी। तुम उसे डिसमिस ही समझो, उस बेहुदा की ये मजाल कि तुम्हारी ऐसी तस्वीर खींच के मेरे साप्ताहिक में छपा दे। हूँ या नहीं हूँ, यही तो प्रश्न है। देखो ये सपन कुमार, ये शेक्सपियर तुम्हारे बस का रोग नहीं है, और आज तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कौन है? ए, ए, अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे पागल हो गया क्या? समझती क्या आपने आपको जज की बेटी? उस पित्ते भर लड़की की इतनी हिम्मत की मुझे तो ओ पागल है। चल मैं तुझे दो टके का आदमी नजर आता हूँ। नहीं नहीं, आजकल तो इन्फ्लेशन का संबंध है, एक आधा टका तो बढ़िया। मजाक के मूड में नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ भैया, आखिर वो लड़की है कौन? वही यार, वो सड़क छाप आशी को थप्पड़ मारने वाली। समझती क्या, समझती क्या तू अपने आप? आइडिया, आई गॉट इट। सबसे पहले मैं उसको अपने ऊपर आशिक कराऊंगा, फिर उसके बाप के भेजे में अपने लाजवाब होने की आइसक्रीम जमाऊंगा, फिर वो कहेंगे शादी कर लीजिए। अरे कहेंगे क्या, भीख मांगेंगे। और फिर मैं कहूंगा ये दो टके का आदमी इस डेढ़ टके की छोकरी से शादी नहीं कर सकता। आखिर अपनी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? मगर इस ड्रामे में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। नहीं नहीं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ड्रामे के लिए रिहर्सल चाहिए। और नो यार, यू आर अ ग्रेट एक्टर, इस महान युग का महान अभिनेता सपन कुमार वल्द जतन कुमार। अब मैं क्रांति मेमोरियल ट्रस्ट के महासचिव श्री मिर्जा रुस्वा मुट्ठीगंजी से प्रार्थना करता हूं कि वो माइक पे पधारें और दो शब्द कहें, और अपने कर कमलों से इस बहादुर युवती को महारानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी प्रदान करें। तलवार पर अब लाइसेंस हो गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की नारियों, जूता संभालो और भारत की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो जाओ। आइए आइए मेरे साथ। ख्वातीनों हजरात, इक्का दुक्का मुअज्जिज मेहमानों, प्रिंसिपल साहिबा और नूर चश्मियों, बिरादर ग्रामीण पंडित सुधाकर पांडे जी ने इस अखीर पुरतखीर के बारे में जो कुछ फरमाया उसमें हकीकत का उनसूर कुछ कम है, मुबालगा ज्यादा। जनाब हिंदी में ट्रांसलेशन भी कीजिए। बहुत खूब बहुत खूब, हम तुम्हारी तर्रारी से बहुत खुश हुए हैं जान, नूर चश्मी सल्लमा। लेकिन भाई हम तो पुराने जमाने की यादगार हैं,
हमारे जमाने में तो यही जबान शायदा और सलीक समझी जाया करती थी। बराए तुम अभी बच्ची हो, बच्ची। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि हम पुराने जमाने की यादगार हैं। क्यों प्रिंसिपल साहब, और हम बड़े बूढ़ों की तरह से ये इनाम देंगे। इस बच्ची ने हिंदुस्तान की जन्नत नसीब बहादुर रानियों का नाम रोशन किया है। अल्लाह ताला इसे लंबी उम्र दराज करे। तो अजीजा, ये रही तुम्हारी ट्रॉफी। भाई फोटोग्राफर जरा अच्छी सी तस्वीर खींचो। अन्नूर चश्मी, ये टीपू सुल्तान ट्रॉफी हम उस बहादुर फोटोग्राफर के लिए लेकर आए हैं जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी बहादुरी की तस्वीर खींची और अखबारात में शाया करवाई। हमें उसका पता बताओगी? उसका पता मैं नहीं जानती। क्या फरमाया? उसका पता मैं नहीं जानती। अरे तो उसके दफ्तर का पता तो जानती होगी शरीर लड़की। वहाँ से तो मैंने उसे निकलवा दिया। है? निकलवा दिया? उस महावीर उस सावंत को निकलवा दिया? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। जिस महापुरुष के कारण आपको ये लक्ष्मीबाई ट्रॉफी प्रदान की, आपने उसे निकलवा दिया। शिवशंकर, शिवशंकर, आप तुरंत जाके उनसे क्षमा मांगिएगा। क्षमा जानती है क्या? माफी, आई एम सॉरी बोलिएगा। प्रिंसिपल साहिबा, वी आर वेरी सॉरी, वी आर वॉकिंग आउट। मिर्जा साहब, आप ट्रॉफी उठाइए, ट्रॉफी उठाइए, चलिए यहाँ से। हम हताबाद अनर्थ हो गया, चलिए चलिए। ये तुमने बहुत गलत काम किया है शोभा, यानी कि तुमने उसे नौकरी से निकलवा दिया। शेम शेम शेम। तुम अगर माफी नहीं मांगोगी तो हम तुम्हारा सोशल बॉयकॉट कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये दो दिन से कहाँ गायब थे आप? वो सर, तुम्हें तस्वीर खींचने के लिए मेरी कजिन ही मिली थी क्या? वो सर, तुम जरा दो मिनट बैठो, मैं एक इंटरव्यू लेकर आता हूँ। सर मैं आपसे ये कहने के लिए आया था, वीआईपी आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, जाना नहीं, बैठो। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, तरुण रॉय स्पीकिंग। मैं शोभा हूँ भैया, आपने उस फोटोग्राफर को निकाला तो नहीं ना? हाँ भाई, निकाल दिया, अभी दो मिनट पहले निकाला। व्हाट? अरे ये क्या किया आपने? रख लीजिए उसे, उसने तो अपना फर्ज अदा किया था। अरे तो फर्ज अदा किया है तो फर्ज हमारे घर के लिए है क्या? अब निकाल दिया तो निकाल दिया। वैसे शोभा, उसको नौकरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बाप का बेटा है वो। मुझे इसके बाप से क्या लेना देना, आप उसे रख लीजिए, नहीं तो मैं डैडी को वो तस्वीर दिखला दूंगी। हाँ भाई, ये तो ब्लैकमेलिंग हुई। हाँ, तुमने तो हद कर दी। अरे ये भी कोई जेंटलमैनियत हुई? मुझे उसे माफी मांगनी है भैया। शोभा, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उसे दोबारा नौकरी पर रखने की क्या जरूरत है? अरे माफी मांगनी है तो स्टेशन पर चली जाओ, वो एसी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है। अच्छा, थैंक यू। May I help you, lady? Please, मैं एक मिस्टर रमेश को ढूंढ रही हूँ। वो इसी ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। एक मिस्टर रमेश? You mean one मिस्टर रमेश? By the way, I am also a मिस्टर रमेश। Oh, आप प्रेस फोटोग्राफर हैं? Ah, you are 100% right. That's what I am. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कमाल करती हैं आप। आपको कौन नहीं पहचानेगा? आपकी वजह से इस देश की बेरोजगारी की समस्या चुटकी भर और गंभीर हो गई है। मेरा मतलब है, रोजगार से लगा हुआ एक नौजवान मैं बेरोजगार हो गया हूँ, और आप कह रही हैं आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत माफी? ओह मैडम, बात यह है कि मैं इतनी कीमती चीज सफर में कैरी करके नहीं चलता। अगर आपको वाकई बहुत बहुत माफी चाहिए तो मुझे घर जाना पड़ेगा, वहां से उठाकर मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए, लेकिन अब तो टिकट वापस नहीं हो सकता ना? कैसी बातें कर रही है मैडम, हमारे खानदान की एक परंपरा है, जो चीज एक बार ले ली जाए उसे वापस नहीं किया जाता। देखिए ना, पिछले 28 वर्षों से मेरे डैडी मेरी मम्मी से अपना दिल वापस मांग रहे हैं, लेकिन मम्मी के देने का नाम नहीं लेते। आप हंस रही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। कार तो मैंने वापस भेज दी है, ड्राइवर भी चला गया, लेकिन खैर। तो चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। अभी तो आपने मुझे पाया भी नहीं, अब छोड़ने का नाम दे रही है। कोई बात नहीं, चलिए फिसलते हैं।
बस बस यही रुको। क्या हुआ? घर आ गया। ओह मैं सर वेदर बुलेटिन देखकर आता हूँ। वेदर बुलेटिन? हाँ अपने डैडी का मूड, अगर वो ब्लू फ्रीजिंग होगा या अबव बॉइलिंग पॉइंट होगा तो हमारा अंदर जाना उचित नहीं। मैं अभी ओके। हट, हू कम इज देयर? ए बबुआ, इस सर उठाए कहाँ चले जा रहे हो? दादू आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो सर झुकाकर जा रहा था। कर्नल साहब घर में हैं? हाँ साहेब घर में हैं। मर गए, सब गड़बड़ हो गया। क्यों? डैडी बहुत गुस्से वाले हैं। अरे उनको आता है प्यार पर गुस्सा, लेकिन मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गए। क्यों, क्या बात है? मैं आपको मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहा। क्या हुआ? होना क्या था, मैंने स्टेशन पर आपको कहा था कि मैं आपको माफी ला कर दूंगा, लेकिन वो नहीं ला पाया। ठीक है, कल आके ले लूंगी। कल नहीं, आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, फिर संडे। हाँ संडे, ऐसा करते ना, संडे को मिलते हैं, सैटरडे को डैडी पुणे जा रहे हैं किसी खास काम के लिए। अच्छा। तो संडे को हम लोग लंच एक साथ लेते हैं, लखनऊ का बावर्ची है, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। चुप। अच्छा बाय बाय, टेक केयर। ओके। अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे अकेले जब, अब देखिए संडे को बुलेगा। अरे भाई तुमको कोई और घर नहीं मिला था कर्नल के घर के सिवा? बेकार की बात मत करो। हाँ बड़े दोस्त बने फिरते हो, हमारे दोस्त के लिए लोग जान तक दे देते हैं और तुम एक फोन नहीं कर सकते। देखो भाई अपने को आर्मी वालों से बड़ा डर लगता है। क्यों, क्या खा जाते आर्मी वाले? अरे खा नहीं जाते, बात बात में बंदूक चला लेते हैं। हाँ मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं बताता हूँ। एक दफा मैं मैरी विडो प्ले में कर्नल का रोल कर रहा था, तो क्लाइमेक्स में मुझे बंदूक चलानी थी, मैंने बंदूक चला दी और क्लाइमेक्स खत्म हुआ, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। साहब प्ले खत्म हुआ तो मैं बाहर निकला, तो एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे कहा, कर्नल का रोल क्या तुमने किया था? मैंने कहा जी हाँ। कांग्रेचुलेशन बॉय, तुम मेरे साथ घर पे खाना खाओगे? मैंने घर के खाने का नाम सुना और चला गया फट से। अभी तो मैं दावत के टेबल पे बैठा ही था तो उसने कहा, एक रुक जाओ, सबसे पहले हम तुमको बताएंगे कर्नल गोली कैसे चलाते हैं, निशाना कैसे लगाते हैं। और ये कह के उसने एक सेब उठाया और उठा के मेरे सर पे रख दिया। टुप। कर्नल बने थे। अभी बताता हूँ कर्नल क्या होता है। कर्नल बनने आए थे, तब से मैं आर्मी वालों से बहुत दूर रहता हूँ। ब्राउन है, वाकई तो से बहुत दूर है, 7.5 किलोमीटर दूर बैठा है। जल्दी से फोन कर। तो वो मैं अपनी वसीयत कर लूँ? नो, बात है, कर लेता हूँ टेलीफोन, तुम नंबर बताओ। 5 7 5 7 3 2 3 2 1 4 1 4। कॉन्फ्रेंस से बात करना था। कुत्ता बोल रहा है। What? जी जी यहाँ पे कुत्ता बोल रहा है। चुप, थोड़ी चुप। जी मैं कर्नल भगवंत सिंह खुराना से बात करना चाहता हूँ। करो। क्या करूँ? बात करो। बात, आप कर्नल भगवंत सिंह खुराना बोल रहे हैं? Yes, रिटायर्ड कर्नल खुराना, 4th गढ़वाल रेजिमेंट। जी दिल्ली से एक मैगजीन निकलने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जी वो आपका इंटरव्यू लेने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओ इंटरव्यू, यस यस यस, टुमारो 7:45 AM शार्प। जी थैंक यू। क्या बोला? सवेरे पौने आठ बजे। मैं बच गया, मैं तो 9:30 बजे उठता हूँ। कल तुम सुबह 6:45 बजे उठोगे? उठूंगा डेफिनेटली। ओह नो नो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये बंबई है डार्लिंग। व्हाट? सॉरी कर्नल। मैं जानता हूँ ये बंबई है, मुझे यहाँ आए 8 साल हो गए हैं। मिसेस खुराना, यस डार्लिंग कहने के जुर्म में 10 रुपया फाइन। डार्लिंग इंडोर, आउटडोर नो डार्लिंग।
सलामत खान जी हुजूर। हंसने के जुर्म में 5 रुपया फाइन। आज तो मेरी बंदूक लेकर इधर जॉगिंग करेगा, अंडरस्टैंड? जाओ मेरी बंदूक लेके आओ। तो मैं कह रही थी कि बंबई जैसे शहर में आना जाना आसान नहीं है डार्लिंग, आई मीन कर्नल, हो सकता है उनकी टैक्सी बिगड़ गई हो। ऑफ कोर्स, भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ टैक्सी को बिगड़ने का पूरा हक है। राइट, बट नोट मिसेस खुराना, अगर टैक्सी बिगड़ सकती है तो रिटायर्ड कर्नल खुराना और फोर्थ गढ़वाल रेजिमेंट को भी बिगड़ने का पूरा हक है। अरे ये तो वही पागल करने लगता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो गुड मॉर्निंग, तुम लोग 7:30 लेट हो। यस सर। अपॉइंटमेंट कैंसिल। नो सर। तुम लोग जा सकते हो। आई मीन मेरी बात सुनिए सर। हलोश, कोई बहाना नहीं चलेगा, हिंदुस्तानियों को बहाना करने की आदत है, सब काम चोर हैं, गोली मार देने के लायक हैं। ये तो पीछे का छुपता है, सामने आप बुजदिल कहीं का गलती करके मुँह छुपाता है। नहीं सर, गलती हमारी नहीं, गलती स्कूटर की है, वो खराब हो गया था। यस। अरे स्कूटर खराब हो गया था तो पैर तो खराब नहीं हो गए थे, डबल मार्च करके आ सकते थे। डबल मार्च कोलावा से चेंबूर तक? तो क्या हुआ, अरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम बर्मा से हिंदुस्तान तक डबल मार्च करके आया। वो तो आप भाग के आए थे। व्हाट? नहीं सर, आपकी तो बात ही कुछ और है, आप तो आर्मी वाले हैं ना, सॉलिड। हम लोग सिविलियन, हमारा और आपका क्या मुकाबला सर। अगर आप जैसा डिसिप्लिन हम में आ जाए ना तो इस देश की काई पलट हो जाए। आदमी समझदार मालूम होते हैं। थैंक यू। तो इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया जाए। नो नो नो, ये हमारा जॉगिंग टाइम है, अगर कोई सवाल करना है तो हमारे साथ जॉगिंग करो। जॉगिंग सर? सर होल्ड। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर सॉल्व करो। यस सर। हेलो, 1-2-3 टेस्टिंग, इंटरव्यू कर्नल खुराना। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपके खानदान के बारे में जानना चाहूंगा। सॉरी सर, मेरे ग्रैंडपा लेफ्टिनेंट जनरल खुराना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़ी बहादुरी से लड़े। वेरी गुड सर। उन्हें किंग्स क्रॉस मिला। यस सर। और उनके जनरल को विक्टोरिया क्रॉस। मेरे ग्रैंडपा को गुस्सा आ गया, उन्होंने जनरल को गोली मार दी, कोर्ट मार्शल हुआ, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े कर दिए गए, मारे गए। व्हाट सर? मारे गए। मारे गए? मारे गए। आई सी। माय डैड मेजर जनरल खुराना जी सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बहादुरी से लड़े, मिलिट्री क्रॉस मिला। एक अंग्रेज जनरल ने शराब पीकर उन्हें इडियट कह दिया, डैड को गुस्सा आ गया, गोली मार दी, कोर्ट मार्शल हुआ, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े हो गए, मारे गए। मारे गए। माय एडल ब्रदर मेजर खुराना, परमवीर चक्र मिला, खुशी से पागल हो गया, 4 आदमी मार डाले और फिर वही कोर्ट मार्शल, फायरिंग स्क्वाड, सेम एंड। लेकिन मुझे अभी तक कोई मेडल नहीं मिला। आपका खानदानी रिकॉर्ड देखकर आपको प्रीमैच्योर रिटायर कर दिया। यू बॉयज हैव गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम्हें कहीं देखा है? मुझे? हाँ। नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं तो अभी अभी परसों शिमला से आया हूँ। शिमला? जी। तब तो तुम मेरे फादर लॉ को जानते होगे, राय भादुर जगन्नाथ सिंह प्रसाद। जी हाँ जी हाँ, मैंने तो उनका प्रसाद खाया हुआ। सर, क्या आप एक इंट्रोडक्शन लेटर अपने फादर इन लॉ के नाम लिख देंगे? मैं चाहूंगा कि उनका भी एक इंटरव्यू ले लूं। शिमला जाना होगा। अजी हुजूर, एक दिन के लिए चला जाऊं? अरे एक दिन क्या, वो तो इतना हकलाते हैं, एक दिन में तो मुश्किल से अपना नाम बता सकेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। देयर इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, उनका एक डॉक्टर है, वो भी बहुत हकलाता है। अरे मजा तो तब आता है जब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अटेंशन कर्नल खुराना, आपको मेरे फादर के बारे में ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं, आपको 110 रुपए जुर्माना। हाँ, हेलो, हाँ, हाँ, साहब कोई शिमला से फोन पर ट्रंक भेज रहा है। कर्नल खुराना स्पीकिंग। अरे यही क्या करता है? अरे यही क्या करता है, साफ साफ बोलो। अरे
Listen to your phone, you old idiot elephant. Shut up. Take your trunk call. साला इतने दूर से गोली तो नहीं मार सकता। साहब जी, दोस्त जी, बस हाँ बहादुर आगे बढ़ो। साहब जी, साहब की तबीयत 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 क्या कहा साहब की तबीयत ठीक नहीं है? हैं पिकल और तोरम कल की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। हेलो साहब जी, बीबी बीबी हाँ हाँ बहादुर मैं भी आ रही हूँ साथ, मगर डैडी को हुआ क्या है? अच्छा तुम फोन पे बताने की कोशिश मत करो, हम वहीं आके पता कर लेंगे। हाँ हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। अरे यार तू ये चक्कर क्या चला रहा है? देख भाई हम दोनों को दो चार दिन वहां रहना। अच्छा हम दोनों को? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस पागलखाने में कदम नहीं रखूंगा। नहीं रखेगा? नहीं। नहीं चलेगा? नहीं जाऊंगा। मेरे साथ नहीं चलेगा? नहीं। तुम खानसामा कहां से लाऊंगा? खानसामा? खानसामा मैं? हाँ। मैं खानसामा नहीं बनूंगा। नहीं बनेगा? मैं खानसामा नहीं बनूंगा। तू खानसामा नहीं बनेगा? मैं खानसामा नहीं बनूंगा। तेरी तो तू बनेगा। हेलो, मैं कहूँ कौन बोल रहा है? सलामत खान साहब, हम सुबह बताना भूल गए, वो आज सुबह जो प्रेस फोटोग्राफर आया था वो हमारे यहाँ ठहरेगा जी। और सुनो, वो और उसका ऑर्डरली। कौन ऑर्डरली? कौन? अरे गधे ऑर्डरली, नौकर। नौकर? नौकर जी जी। तुम उसका उसके नौकर का ख्याल रखना। जी सर। बहुत जी साहब। ओह बाप रे, अरे कोई है? सलामत है हुजूर। कर्नल साहब कैसे? साहब तो शिमला गए और मेम साहब भी, पर मैं बात कर गया था अभी आपके बारे में। हमारे बारे में? हाँ। अच्छा ये है मिर्जा दिलदार बेग। आदाब बजा लाता हुजूर। हुजूर आदाब में बजाने का क्या होता है? बजाने का तो कुछ नहीं होता। सामान ले जी। सामान तो मैं? हमारा सामान ले। साहब कह रहे हैं कि साहब का सामान गाड़ी से उतरवा। अभी आता है। रामनाथ साहब का सामान अंदर ले आओ। कुल मिलाकर यहाँ कितने नौकर हैं? पांच साहब, एक माली, एक बावर्ची और एक रामनाथ और एक रोजी और एक हम। ये रोजी के नाम पर आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? अरे साहब, उसी जालिम के वास्ते रोज अपना कोर्ट मार्शल करवा रिया हूँ, जुर्माना अदा कर रिया हूँ, जी रिया हूँ, मर रिया हूँ। यानी कि कमाल हो रिया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। आप रोजी हैं? यस सर। हाँ ये दिलदार हैं, दिलदार मियाँ। लड़के सर डरते हैं। कहीं को साहब? इनसे पूछ लीजिए। दिलदार साहब हसरत, अगर नाम लेना है तो पूरा नाम लीजिएगा। खल्के खुदा में नाचीज को मिर्जा दिलदार बेगुर्फ बब्बन मियां कहते हैं। माय गॉड, इतना बड़ा नाम। हाँ दिलदार बेग उर्फ नवाब मियां, बब्बन मियां। आप रोजी के साथ जाकर हमारा कमरा देख लीजिएगा। आपका कमरा? हमारा कमरा। मैं कह रहा था आप इनके साथ क्यों भेज रहे हैं? मैं जो हूँ कमरा दिखाने के लिए। तुम क्या बोलता है? मैं कह रहा था कि शट अप, हम इनके साथ जाएगा। चलो आप ये दिलदार बेग हमारे जलाने की तरफ देखेंगे ना तो हम इनके पेट में चक्कू घंगोल देंगे। हाँ हम पठान आदमी हैं साहब। आप दोनों कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। और करो दोस्ती बेटा। वाह दोस्त हो तू ऐसा। लड़की फंसा ये और दाढ़ी लगाओ तुम। ए भाई सफन कुमार उर्फ दिलदार उर्फ मिर्जा, जल्दी कर लो, मोहतरमा आ चुकी है। मोहतरमा आ चुकी है तो मैं क्या करूँ? मैं अपना टाइम लूंगा, गेटअप परफेक्ट होना चाहिए। आपको टाइम निकालना तो ये कैमरा लीजिए, दो चार तस्वीरें निकालिए, इश्क मौत की बातें कीजिए, लेकिन आप जरा जल्दी कीजिए। समझ में आया? मैं रेडी होके आता हूँ। जाइए 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 जाइए। अरे वाह क्या बात है। मेरी नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अरे वाह नाजुकी इन लबों की क्या कहिए, पंखुरी गुलाब की सी है। आए अंगड़ाई भी वो ले ना पाए उठा के हाथ, देखा मुझे तो छोड़ दिया मुस्कुरा के। ओए साड़ा की होएगा ला।
तपन बोलना, क्या प्लान बनाया है, शोभा आती होगी। ये देख, ये क्या है? अरे इस कागज में तेरा पूरा ड्रामा लिखा हुआ है। ड्रामे का टाइटल है रमेश शोभा को कैसे फंसाता है उसको नीचा दिखाने के लिए। अरे वेरी गुड। सुन सुन, पहला सीन है रमेश शोभा को समुंदर के बीच ले जाता है फिशिंग सिखाने के बहाने। अबे ये फिशिंग क्या है? इतने में बोट डगमगाने को शुरू करती है और उलट जाती है। रमेश शोभा को बचाता है। नहीं नहीं, रमेश चिल्लाता है बचाओ 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 बचाओ। अबे रमेश बेवकूफ है क्या जो तैरना जानते हुए चिल्लाएगा? मेरे ड्रामे में रमेश का तैरना ना आना बहुत जरूरी है। ए नाटकाचार्य भरत मुनि, कहीं आपके नाटक में रमेश की लाश का होना तो जरूरी नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं चिंता की कोई बात नहीं, तो क्योंकि रमेश की लाश बनने से पहले शोभा उसे बचा लेती। फिर क्या? फिर वो रमेश को किनारे पे ले आती है अपने हाथों में उठाकर और अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर उसे सांस देती है। मुझे नहीं, मुझे नहीं। और 2 मिनट के सांस मिलने के बाद रमेश होश में आ जाता है। 2 मिनट? यस। अरे ये 2 मिनट क्यों यार, कम से कम 15-20 मिनट तो सांसें। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा चल। फिर क्या? शोभा रमेश के प्यार में गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन वो बीच का एपिसोड था ना जहाँ बोट पलट जाती है, वो कैसे होगा? अरे भाई वो लिखा तो नहीं है लेकिन उसका बंदोबस्त कर लिया है। मछली को फंसने के लिए आप हंस क्यों रही हैं? आप मुझे फिशिंग सिखाएंगे? अरे मैं तो बचपन से फिशिंग जानती हूँ। आप फिशिंग जानती हैं? हाँ बहुत कुछ जानती हूँ। अच्छा? फिशिंग जानती हूँ, राइडिंग जानती हूँ, साइकिलिंग जानती हूँ, फाइटिंग जानती हूँ। आप स्विमिंग जानती हैं? स्विमिंग? बस स्विमिंग नहीं जानती। आप स्विमिंग नहीं जानती? ये कैसे हो सकता है? आपको स्विमिंग तो जाननी चाहिए। देखिए ये समंदर है, कभी भी बोट पलट सकती है। बोट उल्टेगी क्यों? क्यों नहीं पलट सकती? कई बार ऐसा हुआ है ये बोट जो है पलट जाती है और अगर हम डूब गए तो आप मुझे कैसे? ये कैसा उल्टा सीधा हो गया? प्रोग्राम तो ये था। प्रोग्राम सब उल्टा सीधा हो गया जब पता चला इसको तैरना नहीं आता। बेहोश हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तू ये देख, तू वही कर जो वो तेरे साथ करने वाली थी। क्या? अपना मुंह उसके मुंह से लगा कर सांस दे। अपना मुंह इसके मुंह में। वही कर, अपना मुंह इसके। चल हट हट हट, तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखाता। क्या हुआ, क्या हुआ? तू जा डॉक्टर को लेके आ। डॉक्टर ठीक से करना। अरे जा रहा तुम। शोभा, ये शोभा क्या कर, इसे बचा लो प्लीज, मैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। शोभा मुझे माफ कर दो, तू मेरी जान ले ले, इसको बचा ले प्लीज, इसको बचा ले। शोभा शोभा शोभा, होश में आओ शोभा। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूं शोभा। शोभा गॉड, ये तूने क्या किया, मैं अकेला रह गया, तूने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मेरे इतने से कसूर कितनी बड़ी बहुत दुख हुआ। तुम मरी नहीं? मर तो गई। किस पर? तुम पर। Thank you.
के रह गई दखन की एक हसीना, चुरा के दिल को ले गई दखन की एक हसीना, गुलाब सी हिली हुई शबाब में ढली हुई, चुरा के दिल को ले गई दखन की एक हसीना। मैं लॉ के एक स्टूडेंट के प्रेम में पड़ गई थी और यूं ही गुनगुना रही थी, गाना ये नहीं था, तो मेरी माँ मेरे पास आई और ऐसे मुझे अपनी बाहों में लिया, इस तरह मेरा माथा चूमा और मुझसे पूछा कौन है वो। मैंने तो चांस ही नहीं लिया, झट से बता दिया। उसका नाम रमेश है मम्मी, He's the most wonderful boy. मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये प्रेम में पड़ने वाली लड़कियाँ अपने डायलॉग क्यों नहीं बदलती। मैंने भी अपनी मम्मी से तुम्हारे डैडी के बारे में यही कहा था कि he's the most wonderful boy. डैडी और बॉय? भाई तुम मानो या ना मानो, he was the most wonderful boy. अच्छा, और कुछ नहीं बताएगी उसके बारे में? बताऊंगी क्यों नहीं, पर अब ये प्रॉब्लम है कि वो डैडी को लंच या डिनर पर बुलाना चाहते हैं। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले? हाँ, सुनो सुनो ना। बोलो।
मैं एक अच्छी खबर लाई हूँ, तुम पढ़े जा रहे हो। क्या अच्छी खबर लाई हो? वो हमारी बेटी शोभा है ना, वो एक लड़की से प्यार करती है। बहुत अच्छा। प्यार? ये अच्छी खबर है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरे होते हुए वो कौन होती है लड़का पसंद करने वाली? तुम तो खामोखा बिगड़ जा रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी लड़की तुमसे भी ज्यादा पुराने ख्यालात की है। वो कहती है डैडी जब तक लड़का पसंद नहीं कर लेंगे मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। That's good. ये अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए ना लड़की ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? डाइटिंग? डाइटिंग जो करवा रही हो? अरे बाबा डाइटिंग की जरूरत नहीं है। मैं मुर्ग मसलम खा सकता हूँ। हाँ, खा सकते हो। मैं पाया खा सकता हूँ। वो भी खा सकते हो। मैं रबड़ी खा सकता हूँ। वो भी खा सकते हो। तो फिर कौन पागल नहीं जाए? लड़के से कहना ये सब बनवा के रखे। यू और योर डैड। माय डैड। क्या है ना कि नाना जी की यकायक तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनको शिमला रश करना पड़ा। माफी मांग रहे थे। वैसे आकर आपसे पर्सनली भी माफी मांगेंगे। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्या है कि आर्मी की है ना, हर चीज करेक्ट होनी चाहिए। आर्मी थे? या रिटायर्ड कर्नल 6 पुश्तों से। ओह, फैमिली ऑफ कैलन पीपल। कुछ भी कह सकते हैं आप। मेरे ग्रेट ग्रैंडपा थे ना, उनको अफगान वॉर में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। अच्छा। और उसके बाद मेरे ग्रैंडपा थे, उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किंग्स क्रॉस मिला था। वो भी मर गए? क्यों? Oh, how sad. Don't be sad. मेरे ताजी थे ना, उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री क्रॉस मिला था। मेरे डैडी है ना, माय डैडी, उनको इंडो चाइना वार में महावीर चक्र मिला था। पॉस्थ्यूमस? जी। ओह, आई बेग योर पार्डन। तुम तो बहादुरों के संतान हो। अरे जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो आजकल क्या कर रहे हो? जी मैं एक्चुअली, मेरे डैडी है ना, वो चाहते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, और मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे मामा लोग मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन मैं राजनीति को पेशा नहीं बनाना चाहता। पेशे में पैसे का ख्याल रहता है, सेवा धरी की धरी रह जाती है। और मैं निष्काम सेवा करना चाहता हूं, देश की सेवा, मानव जात की सेवा। क्या बात? अरे ये इतनी तकलीफ क्यों की? कहां, बहुत मामूली है। खड़े खड़े सर क्या खुजा रहे हो? आजकल के नौकरों को तमीज सिखाना इम्पॉसिबल, और तमीज सीखने की कोशिश भी नहीं करते। देखिए ना, इसके परदादा हमारे यहाँ नौकरी किया करते थे, लेकिन ये अभी तक गमार के गमार। तू खड़ा क्यों है? चाय बनाना। फिर तूने मुझको हाथ लगाया? चल साबुन से जाके हाथ धो, चल। नौकरों को इतना डांटना नहीं चाहिए। अजी कहा साहब, डांटने पर तो ये लोग खुश होते हैं। क्यों? क्यों डांटने पर 100 रुपया इनाम देता हूँ, 10 रुपया तनख्वाह बढ़ाता हूँ। 100 रुपए? जल्दी ये रही तुम्हारी दाढ़ी और ये रही तुम्हारी मूछ, और भाग यहाँ से। दिलदार का तेल बेचने कर्नल बंदूक नारायण सिंह आ गया। भाग। कौन है ये आदमी? बंदूक नारायण सिंह कौन है? ये वो है जिनका ये मकान है। हाँ, क्या मतलब? मतलब बातें पहले आप। मुझे शिमला भेजकर खुद याद हमका, मैं गोली मार दूंगा। ओ बट डार्लिंग। कौन डार्लिंग मी? ओ बट डार्लिंग। ओ शट अप। यू बास्टर्ड, आई विल नॉट लीव यू, आई विल किल यू। बंदूक नारायण सिंह गोली चला रहा है। हेल्प हेल्प। किधर गया? वो रहा। ए ए ए, होल्ड। अरे किधर गया? बंदूक नारायण सिंह राइस चला हुआ। रुक जा बंदा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बंदूक मार रही है यहाँ। हमबग, बदमाश, हमबग। मैं इसका कचूमर बना दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कौन बॉर्डर में? डैडी जी, डैडी जी रुकिए, रुकिए। कम क्या हाथ क्या हिला रहे हो? कम ऑन। हमबग, हमबग। नहीं यार, नहीं चाहिए तेरी लिए। डबल क्रॉस है, विक्टोरिया क्रॉस है, मिलिट्री क्रॉस, अफगान वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्लीज सर, बंदूक चलाओ। नारायण सिंह बंदूक चलाओ। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, जल्दी। बंदूक टेढ़ी हो गई है। डैडी, डैडी,
गोली, कर्नल यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? तुम कैसे आए? हे भगवान, ये भगवान, भगवान क्या? भगवान has nothing to do with this situation. पर मुझे भी तो बताओ कौन सी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन? Ask him. I tell you, अगर कर्नल साहब, कर्नल साहब आधा घंटा लेट आए होते तो ये सिचुएशन इस वक्त की हैप्पी सिचुएशन होती। कौन कर्नल? इसका बाप। नहीं नहीं, बाप नहीं, नकली बाप। नकली बाप। तो मैं क्या करता मम्मी जी? डोंट कॉल अप मम्मी। ओके, रिलैक्स आंटी। नो नो आंटी आदा। ओके, डोंट बी टेंस। मिसेस रॉय? हाँ मिसेस रॉय। हाँ, जज साहब की लड़की से शादी करने के लिए कर्नल का बेटा तो बनना ही पड़ता है। और फिर कर्नल साहब शिमला गए हुए थे, मैंने इनको लंच पर बुला लिया, तो क्या बुरा किया? लंच पर बुला? हाँ लंच पर बुला। हाँ। गोली खाने के लिए। गोली? गोली नहीं समझ? नहीं, गोली बुलेट। डैडी, उसने कर्नल का निशाना क्या खराब? खराब खराब नहीं होता तो इस वक्त मैं यहाँ नहीं आता, मेरी लाश आई होती। और इस वक्त तुम मेरी वाइफ नहीं होती, मेरी विडो होती। विडो? विडो, विडो, WIDOW, विडो। हे भगवान, फिर से भगवान। भगवान का इस मामले में कोई हाथ नहीं है, सब इसकी इसकी क्या है? कारिस्तानी। कारिस्तानी है। नाना जी की तबीयत खराब होने की वजह से बाप माँ शिमला गए हैं, बहुत माफी मांग रहे थे। वो कर्नल का बच्चा बंदूक ताने माफी मांगने के लिए दौड़ रहा था क्या? बोल। I'm sorry. He's sorry. Yes. He's sorry. Yes, sir. प्रभा, पुलिस को टेलीफोन करो। नहीं, ये साड़ी है, मैं इसे जेल की चक्की पिसवा पिसवा कर साड़ी का ब्लाउज बना दूंगा। शर्म नहीं आती ये हरकत करने? आती है, बल्कि अभी तक चली आ रही है। तो शर्म आती है तो खड़े क्यों? जाओ ना, डूब मरो ना, सुइसाइड कर लो ना। सुइसाइड? हाँ, आत्महत्या, समझे? आत्महत्या? ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, आखिरी फैसला है। रमेश, 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 रमेश। शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है रमेश? कल के वाकये के बाद मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। पागल हो गया क्या? पागल था जो इस बेमतलब की जिंदगी से प्यार करता रहा। लेकिन जज साहब ने बिल्कुल सही फैसला दिया, मुझे आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए। लेकिन रमेश, डैडी ने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था। नहीं शोभा, हमारे देश का जज कभी गलत फैसला नहीं सुना सकता, चाहे वो गुस्से में हो, ठंडा हो, सोता हो, जागता हो, वो हमेशा सही फैसला सुनाता है। मुझे आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? जरूर उस सपन के बच्चे ने बताया होगा, उस कमीने से मैंने 2 बरस पहले 200 रुपए उधार लिए थे। उसने सोचा होगा मैं मर गया तो उसके 200 रुपए कौन देगा, लेकिन मैं इतना बेईमान नहीं हूं। मैंने पहले से ये देखो। शुभम, मुझे मर जाने दो, तुम हट जाओ। शुभम, चले जाओ यहाँ से। हट जाओ शुभम, मैं गरीब हूँ, तू चले जाना। शुभम, तुम मेरे साथ रह के क्या करोगे? मैं फ्रॉड हूँ, चीट हूँ, बदमाश हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। हट जाओ शुभम, I told you. I hate you, I hate you, I hate
लेकिन सुना, अरे नो नो नो, यू लव मी, नहीं मेरा लॉन्ड्री का बिल, लॉन्ड्री का बिल, हाँ लिफाफे में, अरे फाड़ो मत प्लीज, धोबी मारेगा, एक पैंट दो शर्ट, बस कपड़े आगे मत पाना, आत्महत्या तुम नहीं, आत्महत्या मैं करने जा रही हूँ, ये लो तुम्हारा लॉन्ड्री का बिल, अरे ठीक है, अरे देखो मुझे इतना झूठा मत समझो, अरे सुनो मेरी बातें जरूर झूठी हो सकती है, सुने हो जी, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। उन्हें एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत क्यों पड़ी? जी मैं वो अर्ज कर रहा था कि उनका केस अब ये है। प्लीज कॉल योर क्लाइंट। आइए कर्नल साहब। आई विल शूट दिस बास्टर्ड। कोल्ड छूत की बीमारी है, जुकाम के मरीज के सामने खड़ा होना नहीं चाहिए, जाओ। मेरी फिक्र मत कीजिए योर ऑनर, जुकाम कमजोर आदमी को होता है। आपने कहावत नहीं सुनी, मेंढकी को जुकाम हो गया? क्या तुमने मुझे मेंढकी कहा? This is contempt of court. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने मेंढकी नहीं कहा, वो तो एक मुहावरा बोले थे। I see. The charge is withdrawn. Thank you, your honor. थैंक यू। मैंने आपको कहीं देखा है? कोल्ड कोल्ड उड़ कर लगता है। मिस्टर खान, योर बेल इज ग्रांटेड, टेक योर क्लाइंट अवे। नारायण सिंह गोली चला रहा है। गोली गोली देखी, तलवार गिरा दी है। यू इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेरी सीरियस ऑफेंस। रमेश, रमेश कहाँ हो तुम? रमेश, तेरे प्यार का सिलसिला चाहता हूँ। अब तो तुमसे प्यार करना ही मुश्किल हो गया है, जब देखो तुम्हारे बाप की टकली चांद। क्या बोला? सॉरी, चमड़े की जबान है ना फिसल के। कोई बात नहीं, स्टेटमेंट चेंज। क्या हुआ? अरे कुछ कुछ नहीं। क्या हुआ? लुक छुप के प्यार करने में मजा ही नहीं रहा। क्या बात है? तेरी तो कंफर्टेबल। अरे बोलो ना रमेश, कहाँ जा रहे तुम? अरे कहाँ जा रहे तुम? ये तुमने उसे नहीं नहीं मैंने क्या उसे तुम्हें हंसते हुए क्या बोल रहे हो? क्या ये क्या अकेली खड़ी खड़ी हंस क्यों रहे हो? अकेली कहाँ हूँ डैडी, झाड़ी है ना। झाड़ी? हाँ झाड़ी। झाड़ी को तुम्हारी हंसी से क्या मतलब? मतलब ये है डैडी, डॉक्टर होल्डन एक बॉटनिस्ट थे, उनका ये कहना है कि अगर कोई ये चाहता हो कि पेड़ पौधे का रंग निखरे और खुशबू कल्चर्ड हो जाए तो उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। हा, हा, हा। हंसना बोलना चाहिए। मैं तो रोज घंटों से बात करती हूँ डैडी, पेड़ पौधे रिएक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स मैं बताती हूँ आपको, आई लव यू माई स्वीटहार्ट, यू आर सो स्वीट, माय गुजी पुजी 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 पुजी। देखिए क्या कर रहे हो? हटो हटो हटो, मैं बोलूंगा।
I love you, my pet. I love you, my sweetheart. पूछी 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 क्या बात है, मेरी मोहब्बत का जवाब ही नहीं मिलता। डैडी आप प्यार से कहाँ बोल रहे हैं, आप तो डांट रहे हैं। I love you, my sweetheart. प्यार की गली दिन बहार का है, आ गया मजा आज प्यार का है। प्यार की गली दिन बहार का है, आ गया मजा आज प्यार का है। भूल गए थे। तुम्हें आने को मना नहीं किया गया था? जी क्या था, फिर क्यों आए? जी पता चला आप घर पर नहीं है, इसलिए मैं चला आया। मैं घर पर नहीं हूं तो क्या घर तरह हो गया? I shall hang you for this. फांसी फांसी दूंगा। उम्मा। Just a minute, sir. क्या? सर, आपको पता है जब से आप जज बने आदमी नहीं रह गए। जागो तो फैसला, सो तो फैसला, जिंदगी गिल्टी और गिल्टी का चक्कर नहीं है सर। अब देखिए इस बेचारे को, आई मीन हिटलर को, उसको भी आप इंडियन पिनल कोड सिखाते रहते हैं। सुन लिया आपने, आप बड़े कानून जानने वाले बने फिरते हैं, तो कानून ही सही। कानून की किस किताब में लिखा हुआ है कि जो 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 जो, जो, जो केस लड़ रहा हो वो जजमेंट भी देगा? क्या मतलब? मतलब कि बहस तो मेरे और आपके बीच में चल रही है ना, और जजमेंट भी आप ही दे रहे हैं। गुड पॉइंट। व्हाट डू यू मीन? आई मीन I mean, मम्मी जी, मम्मी जी, जज आप बन जाइए ना। मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे मंजूर है, इसमें हर्जी क्या है? एक मिनट मम्मी जी।
हाँ तो योर ऑनर, मिस्टर रॉय ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं इनके मना करने के बावजूद इनकी लड़की से मिला। योर ऑनर, अगर ये जुर्म है तो मैं इकरार करता हूं, लेकिन इससे पहले मिस्टर रॉय से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ख्याल रहे, आप सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की? हाँ की, और मैंने उसी लड़की से शादी भी की। योनर, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। कभी नहीं। योनर, मिस्टर रॉय को हुक्म दिया जाए कि वो उतना ही बोले जितना उसे पूछा जाए। गवाह उतना ही बोलेगा जितना जितना उसे पूछा जाएगा। थैंक यू योनर। तो आपने एक लड़की से प्यार किया? हाँ क्या? गुड, वेरी गुड। और उन प्यार के दिनों में उस लड़की से मिलने के सिलसिले में उसके बाप, मेरा मतलब उनके पिताजी का हर कहा मानते थे? गला साफ हो चुका हो तो गवाह सवाल का जवाब दे। क्या जवाब दूं? उस बेवकूफ बुढ़े का कहा मानता, आई बेग योर पार्डन, इनके पिताजी का कहा मानता तो इनसे मिलने के लिए दूसरे जन्म तक इंतजार करना पड़ता। इतना बड़ा इंतजार मुझे मंजूर नहीं था। इतना बड़ा इंतजार मुझे भी मंजूर नहीं। योना, योना, मुझे नहीं मालूम मैं दूसरे जन्म में मैं किस जून में जाऊंगा। गधा, घोड़ा, गधा। That's why I can't take a risk. With this simple statement, I close my case, Your Honor. अब फैसला आपके हाथ है। फैसला इनके हाथ में कैसे? मैं लड़की का बाप हूँ, फैसला मैं करूंगा। आपकी शादी का फैसला क्या आपके पिताजी ने किया था? अरे तो क्या मैं मेरी इकलौती बेटी की शादी इस बेरोजगार निखट्टू से कर दूं? शादी के वक्त तुम भी तो सेशन जज नहीं थे, इसी की तरह बेरोजगार थे। मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ चुका हूँ। क्या पढ़ चुके हो? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियर हो तो काम क्यों नहीं करते हो? बेकार क्यों घूमते हो? योनर, शायद इनको मालूम नहीं कि मैं किसी मिनिस्टर या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का दामाद, साला या बहनोई नहीं हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। Don't talk rubbish. हिंदुस्तान में करोड़ आदमी जो काम से लगे हुए हैं, सब कोई ना कोई मिनिस्टर या इंडस्ट्रियलिस्ट का साले या दामाद है। दरअसल तुम काम ही नहीं करना चाहते हो। यू आर अ वेस्टर्न ब्लफर। सुनो, मैं तुम्हें एक बरस की मोहलत देता हूं। पहले आदमी बनो, फिर इधर आना। चले आए मोहब्बत कर ले। Oh, get lost. Hitler, इसे घर से निकाल दो। Please, don't trouble him. Hitler. Don't come. I'm going. प्रणाम. Please, मुझे रोकना नहीं. Okay, I'm going. Bye-bye. Goodbye. Bye, Hitler. जब दांत थे, चने नहीं. अब चने हैं तो तेरी गलती है, सब तेरी गलती है। सुनेगा थोड़े आराम से बैठा रहेगा। मैं कहता हूँ सब तेरी गलती है। क्या किया है मैंने? अरे मैं तुझसे नहीं कह रहा हूँ। तो फिर किससे कह रहे हो? मैं उस ऊपर वाले से बात कर रहा हूँ। अरे सब कर दिया ना, सब उल्टा सीधा मेरी जिंदगी में। हाँ, जब नौकरी थी तो लड़की नहीं थी, अब लड़की है तो नौकरी नहीं थी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? बोल। तुम कुछ भी कर लो बेटा, एक साल में तुम कोई तीर नहीं मार सकते। क्यों साले, न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी जानने के लिए कितने दिन लगे थे? सिर्फ एक दिन, महज एक रोज, केवल एक दिवस। वो थे मिस्टर न्यूटन और तुम हो मिस्टर सक्सेना। उन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी जानने के लिए सिर्फ एक सेब का दरख्त चाहिए था, और तुम्हें चाहिए एक पूरी टेक्सटाइल मिल। अरे तो उसके पास टेक्सटाइल मिल की कमी नहीं? हाँ, बहुत टेक्सटाइल मिल है उसके पास। अरे हजारों टेक्सटाइल मिल में से एक टेक्सटाइल मिल मुझे नहीं दे सकता। मॉर्निंग सेवन साहब। आइए, क्या मनहूस खबर लेके आए हैं आप? मिल मिल रे, एक तो मिल। पाजी, ढोंगी, काम चोर, ये मिल वाले तुझे दो साल से नौकरी के लिए बुला रहे हैं और तू जाता नहीं। तेरा भेजा खराब हो गया, मुझे नौकरी के लिए बुला रहे? हाँ, पढ़ो। दो साल से, अरे दो साल क्या साला, मुझे आज तक ना कोई लेटर तक नहीं आया। चल झूठ बोलता है तू, यकीन नहीं? हाँ, ये ऐसा कैसे हो गया? अरे समझ गया, अरे ये तो उस रमेश सक्सेना की चिट्ठी है जो चार बंगलों दूर रहता था। वो रमेश सक्सेना जो दुबई गया था नौकरी के लिए अभी तक नहीं आया, तू जानता नहीं उसे? एक मिनट दे सर। रमेश सक्सेना, अरे लाओ उनको चिट्ठी भेज दी वापस। इनको रमेश सक्सेना चाहिए ना? हाँ, तो मैं भी तो रमेश सक्सेना ही।
और इनको टेक्सटाइल इंजीनियर चाहिए, तो मैं टेक्सटाइल इंजीनियर भी हूँ। क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब तेरी समझ में नहीं आएगा। ऊपर वाले ने अपने लिए ये मिल भेजी है, समझा? नहीं नहीं, ये 420 बिल्कुल धोखा है। नहीं नहीं, छोड़, पागल हो गया? ऊपर वाले के काम में टांग लाता, पाप लगेगा। थैंक यू ऊपर वाले, है महान है तेरी। ऊपर वाले के भरोसे रहेगा तो नीचे वाले अंदर कर देंगे 6 साल के लिए। हेलो मिस्टर धनराज, आई एम मिस्टर रमेश सक्सेना। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हू द हेल आर यू? मसीहा, मुर्दा मिलों को जिंदा करता हूँ। मेरा मिल जिंदा है? आपका ख्याल है? आपको मालूम है पिछले 6 महीनों से आपके मिल के शेयर बाजार में कितने सस्ते बिक रहे हैं? क्योंकि सुनिए, आप अंदर आके यहाँ पर, आपको मालूम है इसकी वजह क्या है? मैनेजमेंट और लेबर में समझौता नहीं। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, कह रहा हूं। आपको मालूम है आपकी ट्रेजेडी क्या है? आपको अपने मिल से इश्क नहीं जो मुझे है। मिल कोई भारतीय नारी या पत्नी नहीं कि जो भी जुर्म करें सहती रहे। ये तो एक खूबसूरत सी रखेल है, अगर आप इसको खुश नहीं रखेंगे तो किसी और के पास चली आएगी। ओ हेलो, बहुत ही मॉडर्न ख्याल है। गुड मॉर्निंग सर, यू आर मिस्टर जी सिंह, जी फॉर ग्रेट। जी साहब, मैं अभी इनसे कह रहा था कि मैं सुन चुका हूँ, लेकिन आप हमारे मिल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? वेरी सिंपल सर, क्योंकि आपके पास सबसे अच्छी मशीनें हैं, लेटेस्ट एंड द बेस्ट। टुडे इज द वॉर ऑफ मशीन्स। लेकिन आप तो कह रहे थे हमारे मिल का प्रोडक्शन लेवल नीचे जा रहा है। जी जी जी, जा रहा है ना, लेकिन इसमें आपकी मशीनों का कोई दोष नहीं है। गुस्ताखी माफ हुजूर, आज जमाना पर्सनल मैनेजमेंट का नहीं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नौकरी चाहिए? नौकरी? हुजूर मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं चाहिए, मैं किसी नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, आज के बाद आपके प्रोडक्शन लेवल में जो भी बढ़ोतरी हो, उस बढ़ोतरी में से 20% का शेयर। What? 20%? Yes, sir. मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। Oh, thank you. अब आप जा सकते हैं। जी? I said get out. Get out? आपने मुझसे कहा? जी। आप मुझसे कह रहे हैं get out? पिछले 2 साल से लगातार आपकी कंपनी मुझे खत लिख रही है कि मैं आप लोगों को आके ज्वाइन करूं, और जब मैं यहां हूं तो आप मुझसे कह रहे गेट आउट। आई मीन यू आर सेइंग गेट आउट टू रमेश सक्सेना? व्हाट यू मीन, आप वो रमेश सक्सेना है? जी हां, मैं वो रमेश सक्सेना हूं, एट योर सर्विस। आई एम वेरी सॉरी। साथियों, मेरा नाम रमेश सक्सेना है। मैं आप लोगों को डराने धमकाने या कोई नसीहत देने नहीं आया हूं, बल्कि एक खुशखबरी देने आया हूं कि आज से आप लोग इस मिल के मुनाफे में 10% के हिस्सेदार हैं। रमेश सक्सेना जिंदाबाद, हमारा नेता कौन है? भाई सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कोई नेता वेता नहीं हूं। अगर मैं नेता होता तो ये 10% भी हड़प कर गया होता। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक के आपको मीठे सपने दिखा के यहां से फुर्र हो गया होता। मैं आपको एक ताकीद करना चाहता हूं, एक राय देना चाहता हूं, एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूं कि जीवन में 3 चीजों से हमेशा परहेज रखिए, शक्कर, नमक और नेता। इन 3 चीजों से जितना दूर रहेंगे आपका शरीर, आपकी काया और आपकी तंदुरुस्ती जो है वो स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी। देखिए, हंसने की बात नहीं है, हंसी मजाक बहुत हो चुका। आप में से किसी को कोई शंका हो या कुछ कहना हो तो प्लीज बोलो। हम बोलना मानता है। आपको हाँ, कहना है? ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट। हज़रत अल्लाह, शायद आप मिस्टर रॉबर्ट हैं? हाँ, रॉबर्ट हैं। बोलिए। हाँ, हम 50 साल से ये मिल में काम करता है। कभी हमको कोई ये नहीं पूछा कि रॉबर्ट तुम कुछ मांगता है, तुम कुछ बोलने मांगता है? अरे हम बहुत बोलने मांगता है, हम बहुत मांगता है, ये मिल हमारा चाइल्ड है। तुम लेक्चर बहुत अच्छा देता है और तुम हैंडसम भी है, पर तुम कौन है? इंजीनियर है, मैनेजर है? क्या बात है, दिखा आपने, क्या बात है, क्या सवाल किया है? अरे इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि मैं किस हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं? अब मैं बताता हूं हुजूर, मैं यहां पर सिर्फ रमेश सक्सेना की हैसियत से हूं, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। आप मुझे सिर्फ इतना ही समझिए। देखिए, ये 50 सालों का तजुर्बा, ये 50 वर्षों का तजुर्बा कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती, कोई विद्यालय नहीं देता। अगर मिलता है तो इन जैसे बुजुर्गों से।
Okay. मैं इनको अपना गुरु मानकर आप सब मजदूर भाइयों के सामने अच्छा तो आप शोभा हैं, यानी पार्टनर की गर्लफ्रेंड? चुप रे पाजी, अभी से मुए को गर्लफ्रेंड का भी पता चल गया। हेलो पार्टनर, हाउ आर यू? आदा पाजी। पाजी आप दोनों ठीक है ना? चुप चुप। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। कहो पार्टनर, कैसी लगी? खाना पकाना तो जानती होंगी आप। और शर्ट में बटन टाकना? हाँ वो भी जानती हूँ। गुड। और बच्चों के बारे में क्या पॉलिसी है आपकी? पार्टनर, अरे बाबा मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। ओह, आई लव यू। बबुआ अभी तुम भाग जाओ, चलो चलो जाइए। पार्टनर। अल्लाह आंख मार रहा है बच्चों। जैसा सीनियर पार्टनर वैसा जूनियर पार्टनर, लेकिन तुम इस सीनियर पार्टनर का ख्याल रखना। ये ख्याल रखने दे तब ना बाजी। अरे शादी से पहले सब मर्द अकड़ू खा होते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। ये भी हो जाएगा, क्यों रे हो जाएगा ना? मैं भगवान को हाथ नजर कर कहता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वादा करता हूँ कि शादी के बाद तमाम शरीफ मर्दों की तरह मैं भी अपनी धर्म पत्नी की मुट्ठी में रहूंगा। मिस्टर धनराज सिंह, तय यह हुआ था कि 3 महीने तक इस मिल में मेरी चलेगी, और आपने मुझसे बिना पूछे हुए वर्कर्स को छुट्टी देने के लिए मना कैसे किया? हम रॉबर्ट की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी का जश्न मनाने के लिए तनख्वाह नहीं देते। ये आप कौन होते हैं तनख्वाह देने वाले? तनख्वाह हम देते हैं जो काम करते हैं। रॉबर्ट इस मिल का सबसे पुराना वर्कर है, उसकी शादी की 50वीं सालगिरह पर छुट्टी होनी चाहिए। I don't agree with you. बट सर, बट 3 महीने तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। थैंक यू वेरी मच सर। इस 2 टके के आदमी को आपने बहुत सर चढ़ा लिया है। वो 2 टके का आदमी नहीं है, 20 टके का आदमी है। He's 20% पार्टनर इन ऑल आर प्रॉफिट्स, और ये सब तुम्हारी नालायकी की वजह से। तुम्हें जापान फ्लर्टेशन में पीएचडी करने के लिए नहीं भेजा गया था, और मुझे कोई शौक नहीं है कि अपने मुनाफे का 20% में किसी को भी देता फिरूं। लेकिन क्या करूं? लेकिन भैया अब तो मिल अच्छा चल रहा है, ठोकर मार के अलग कर दो उस कमबख्त को। फिर मिल कौन चलाएगा? तुम? और सारे वर्कर उसकी पूजा करते हैं, उसे मिल से निकालने की बात में सोच भी नहीं सकता। कभी तो अकल की बात किया करो। लेकिन भैया मैं बेवकूफ सही, लेकिन लेकिन उसने आपकी बेइज्जती की है। आप उसे निकाल दीजिए फौरन। जाओ और जाकर रॉबर्ट के लिए एक अच्छे से तोहफे का इंतजाम करो। हम दोनों उसकी शादी की 50वीं सालगिरह पर जाएंगे। लेकिन भैया, हर बात पर बहस नहीं किया करते। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मिसेस रॉबर्ट। मुबारक हो मिस्टर रॉबर्ट। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द वर्कर्स, क्योंकि वर्कर से ही मिल की जिंदगी है, और मिल की जिंदगी से ही मिल मालिक की। क्यों रॉबर्ट, तुम्हारा रमेश नहीं आया? नहीं आया। ओहो रमेश नहीं आया, वो आपके साथ कल झगड़ा किया था ना। ओह आई एम सॉरी, आज मिल को छुट्टी दिया है, आज हमारा एनिवर्सरी का बड़ा दिन है ना 50 साल का, इसलिए वो आ गया। La 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 la
अरे झूमो ये नाचो ये गोल्डन वेडिंग है ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगानी है सच्चाई और ईमान की। अरे सुनो, अरे सुनो अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, तुमको देखकर क्यों ऐसा लगता है कि हमको भी शादी करना मांगता, कि हमको भी शादी करना मांगता। अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, तुमको देखकर क्यों ऐसा लगता है कि हमको भी शादी करना मांगता, कि हमको भी शादी करना मांगता। किस चक्की में हो पीसते, हाय हाय टचवुड क्या बोले तुमको, हाँ अंकल रॉबर्ट रॉबर्ट क्या बोले तुमको, तुमको देखकर क्यों ऐसा लगता है कि हमको भी शादी करना मांगता, कि हमको भी शादी करना मांगता। वाइफ हस्बैंड दोनों में देखो जब इतना प्यार है, फिर क्यों ना गुजरे हर दिन मानो जैसे कि त्योहार है। अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, तुमको देखकर क्यों ऐसा लगता है कि हमको भी शादी करना मांगता, कि हमको भी शादी करना मांगता। तुम क्या शादी करेगा, खाली टंडी आहे भरेगा, शादी तो वेल हमने किया था और बॉम्बे जानता, हम तो देखो दुनिया से लड़के छोकरी का हाथ पकड़ के चर्च को सीधा लेकर पहुंचा और बॉम्बे जानता। साला तुम तो खाली पीली, साला तुम तो खाली पीली, बस ये बोलता के दिल ये कहता है कि तुमको भी शादी करना मांगता, कि तुमको भी शादी करना मांगता। अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, अंकल रॉबर्ट क्या बोले तुमको, तुमको देखकर क्यों ऐसा लगता है कि हमको भी शादी करना मांगता, हमको भी शादी करना मांगता। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे याद किया। अरे आओ 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 रमेश, आओ बैठो। पहले आप रमेश, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि जब से तुमने हमारा मिल ज्वाइन किया है, मतलब पिछले 3 महीने में हमारे मिल को 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, और ये रहा तुम्हारा चेक 80,000 रुपए। थैंक यू सर। नॉट लाइक दिस, ये चेक तो आज शाम तुम्हें पूरी फैनफेयर के साथ दिया जाएगा,
लोग तालियां बजाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और किसी बहुत बड़े आदमी को चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। अगले दिन अखबारों में तुम्हारी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपेंगी, बीमार मिलो का मसीहा। सुनो, सुना है जस्टिस रॉय तुम्हारे होने वाले ससुर हैं? जी सर, उन्होंने तो मुझे नाकारा समझ के घर से निकाल दिया था। ओह, इज दैट सो? यस। तो ये चेक तुम्हें उन्हीं के हाथों से दिलवाएंगे। बाजी, बाजी खुशखबरी है, लेके आओ मिठाई लाओ। क्या बात है बाजी? कुछ नहीं भैया, बात क्या होगी? पीवा की आंख में ख्वाब तो होते नहीं, बस आंसू होते। जब कुछ करने को नहीं होता तो रो लेती हूँ। अच्छा तू बता, तू क्या खुशखबरी लाया था? बाजी, रो नहीं, बताओ ना क्या बात है। आज तेरे भैया की बरसी है। आज के दिन में सुबह से शाम तक अल्लाह मियां से एक ही सवाल करती हूँ कि तू इंसाफ करने वाला है, फिर भी मेरे शौहर का कातिल शान से घूम रहा है और तेरे इंसाफ के कान पे जू तक नहीं रेंगती। कातिल? बाजी उन्होंने तो खुदकुशी की थी। नहीं, उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, उनका खून हुआ था। खून? जिसको खुदकुशी करनी होती है ना रमेश, वो अपने बेईमान पार्टनर और उसकी रखेल सेक्रेटरी के सामने सातवीं मंजिल की खिड़की से छलांग नहीं लगाता। उनको उस कमीने ने धक्का दे दिया था। बाजी मुझे उस कमीने का नाम बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं रमेश, शोर को तो खो चुकी हूँ, अब भाई को नहीं खोना चाहती। बाजी आपको मेरे सर... नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, वही उसको सजा देगा। रो लिया ना, बच्ची हल्का हो गया। अच्छा बता, तू कौन सी खुशखबरी सुना रहा था? बोलना, अरे बोलना। कुछ नहीं बाजी। अरे बता तो सही। हा? बाजी, मैं जहां काम करता हूं ना, वो लोग मेरे काम से खुश होकर मुझे 80,000 रुपए का चेक दे रहे हैं। माशाल्लाह। उस खुशी में एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरी बाजी मेरे साथ आए। अरे मेरी दुआएं तेरे साथ जाएंगी, लेकिन तू क्या रोनी सूरत लेके जाएगा जलसे में? हंस, अरे हंस तो। पहले आप हंसी। रमेश, इसमें कोई शक नहीं कि श्री रमेश सक्सेना एक आदर्श नौजवान है। इन्होंने हमारे मिल की नब्ज पर हाथ रखा और हमारी बीमार मिल एक बार फिर जी उठी। मैं मिस्टर प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शुभ हाथों से ये चेक मिस्टर सक्सेना को दें। मिस्टर प्रेसिडेंट, जस्ट इट ऑल। देवियों देवताओं, नहीं नॉट देवताओं, सज्जनों, देवियों और सज्जनों, मैं इस लड़के को मिस्टर सिंह के पहले से जानता हूं। पहला इंप्रेशन बहुत बुरा था, मैं समझा था ये नालायक, कामचोर और 420 है। डैडी, पर बाद में मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी, बल्कि ये कहूं तो गलत ना होगा कि पूरी युवा पीढ़ी के बारे में मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी। अगर हमारी राष्ट्रीय राजनीति इतनी मैली ना होती तो मैं उसे मंत्री होने का आशीर्वाद देता।
अगर सरकारी मशीनरी में इतना भ्रष्टाचार ना होता तो मैं उसे सीमेंट कंट्रोलर होने का आशीर्वाद देता। तो मैं सिर्फ ये आशीर्वाद दे सकता हूँ कि 80,000 रुपए वो कायदे से खर्च करे। हालांकि इन 80,000 में से 50,000 ले जाएंगे इनकम टैक्स वाले, जिन्होंने इस मिल के लिए कुछ भी नहीं किया। परंतु मिस्टर सिंह भी बधाई के अधिकारी हैं, क्योंकि ये अपने वादे से मुकरे नहीं। साहब, किसी ऐसे आदमी के नाम 80,000 का चेक काटना आसान नहीं जो अपना न भाई है न बेटा। इन्होंने ये चेक मेरे होने वाले दामाद को दिया है। और मैं नहीं, मेरे साथ ऐसा अन्याय न कीजिए जज साहब। अन्याय? क्या अन्याय? अगर गलती से मैंने कुछ अन्याय कर भी दिया हो तो वो गलती मैं सुधार सकता हूँ। इधर आओ बेटी, डरो मत, आओ। आओ बेटी, मैंने क्या अन्याय किया है? अभी आपने यही कहा था ना कि ये आपके होने वाले दामाद हैं। हाँ, मैंने यही कहा था। आप मेरे पति को अपना होने वाला दामाद कैसे कह सकते हैं? पति? पति निकले कमाल हो गया यार। माँ चालू चीज है, शक्ल तुमको थोड़ा लगता है, माँ चालू चीज है। ओरा ओरा, तुम क्या ये कहना चाहती हो कि ये मिस्टर रमेश सक्सेना, जिनसे मैं अपनी बेटी की शादी करने वाला हूँ, जिन्हें 80,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है, ये तुम्हारे पति हैं? पति होना तो दूर, मैंने तो आज तक। विल यू प्लीज कीप क्वाइट मिस्टर सक्सेना। तुम्हारी शादी कब हुई? 10 नवंबर सन 80 को। कहाँ हुई? डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। रात को 2:08 का मुहूर्त था। वो फेरों के बाद जब सुहागरात के कमरे में आए तो मेरा मुंह अपने हाथों में लेकर कहा, मीरा मैं जा रहा हूं, जब किसी लायक बन जाऊंगा तब तुम्हें भी अपने पास बुलाऊंगा और तब हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। ये तो लक पति है, अब ये शौक से दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एक भारतीय नारी हूं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मेरा क्या होगा? रास्कल, क्या कहना चाहता है? बोल। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं ऐसी एक नहीं बल्कि 10 लड़कियां लाकर यहाँ खड़ी कर सकता हूँ और 10 कहेंगे कि आप उनके पति हैं, तो क्या 10 को आप अपनी बीवी मान लेंगे? How dare you talk to my dad like that? ये लड़की तुम्हारी वाइफ है। मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा पूरा नाम क्या है? मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? मेरे बाप का नाम क्या है? मैं अपने अधिकारों की भीख मांगने नहीं आई, मुझे इज्जत से जीना ही नहीं, इज्जत से मरना भी आता है। कमाल की झूठी लड़की है ये। झूठी ये नहीं, झूठे तुम हो। सच तो ये है कि तुम सच बोल ही नहीं सकते। She means you are a compulsive liar. अगर कल ये लड़की अदालत में आए और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दे, I shall send you behind bars for 15 years. Not 15 years, Daddy. 115 years. Please, Shobha. Not Shobha, Mr. Saxena. Miss Shobha Rai. And I hate you. कमाल, जब जब मैंने झूठ बोला, लोगों ने मुझ पर यकीन किया, और आज जब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मुझ पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वहां तो भरे मजमे में पहचान लिया था और यहाँ अकेले में हकला रही हूँ। आपकी अभिनय क्षमता को देखकर सन 40 से 50 तक की सारी हिंदी फिल्में याद आ गईं। यदि आपकी गोद में बच्चा होता तो यथार्थ का रंग और भी चोखा हो गया होता।
लेकिन भारतीय फिल्म की नायिका की बच्चा हो ही कैसे सकता है? सुहागरात तो अभी मनी नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पति परमेश्वर सुहागरात मनाएंगे? देखिए, मैं शोर कर दूंगी। शोर करके क्या कहोगी मुनिया? कि तुम्हारा पति अपनी अधूरी सुहागरात पूरी कर रहा है। देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो मिसेस सक्सेना। अब तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारा बलात्कार यानी कि रेप किया है। क्यों ना इस रोशनी को बंद कर दिया जाए? अब तुम्हारा मादरजात जिस्म तुम्हारे पति की बाहों में होगा, जिस्म से जिस्म, सांसों से सांसें टकराएंगी और एक पत्नी की इच्छा पूरी होगी। नहीं। जाति कहाँ है? या कोई सुहागरात मना नहीं तो सच सच बताती नाटक करने के लिए किसने कहा था? या अगर सच सच बताएगी नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, अच्छा मैं फांसी पर चढ़ता हूँ। बोल हरामजादी बोल। You have done a wonderful job. Cheers. Good luck. मुझे लक की जरूरत भी है ना, अगर बेटा वक्त पर ना पहुंचता तो मुझे जान से मार डालता। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें वेटर के सामने भी मार डालता। क्या? अरे तुमने उसका सारा खेल जो बिगाड़ कर रख दिया। सुनो, क्या वो एक्टिंग तो नहीं कर रहा था? नहीं, उसकी आंखों में खून था। वेटर तो घबरा ही गया होगा। बिल्कुल। गुड, अब तो उसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा ना। लगता तो यही है। नजीर अहमद की तरह रमेश को हमेशा के लिए क्यों नहीं खत्म कर देते? नजीर अहमद, अपनी सेक्रेटरी से कहो कि वो बाहर जाए, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। नजीर भाई, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, जो कहना है उसके सामने ही कहो। जैसे तुम्हारी मर्जी, कारोबार में तो तुम घपला करते ही आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम मेरी बीवी पर भी बुरी निगाह डालने लगे हो। कैसी बातें कर रहे हैं नजीर भाई, बुरी निगाह तो वो मुझ पर डाल रही है। तुम्हारे पिताजी मेरे वालिद के दोस्त हैं, पर आज मैं उस दोस्ती की कैद से मुक्त हुआ। पिछले 7.5 साल में तुमने 34 लाख रुपए का घपला किया है और आज साफ देने का वक्त आ चुका है। मैं यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूं ताकि तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जेल में गुजार सको। उसकी वाइफ तो बिल्कुल ही लापता हो गई, कहीं तुमने उसकी टिकट भी तो नहीं कटवा दी? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? शुरू शुरू में लगता था, लेकिन जब से तुमने ये अंगूठी मुझे पहना दी डर निकल गया। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्यों, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ, एबॉर्शन लीगलाइज हो चुका है? नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। इन दैट केस मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। No, I love you. I mean it. I love you. I'm really serious. No! कल तक मुझे तुम्हारी जिंदगी की जरूरत थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मौत की जरूरत है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मार डाला? अगर पहले मारता तो इल्जाम मेरे सर जाता, लेकिन अब इल्जाम रमेश के सर जाएगा। Please don't kill me. तुम्हारे पति रमेश के सर। You can't do that. नहीं, नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ?
तुम्हारा नाम? डब्ल्यू जी बाप्टिस्ट, सन ऑफ जे बी बाप्टिस्ट, मुर्दवारा, साउथ कैनरा सर। साउथ कैनरा? यस सर। सबसे पहले लाश को तुमने देखा? यस सर, मैं मॉर्निंग में चाय लेकर आता होता। इसका मतलब है हमें सबसे पहले शक तुम पे करना। मुझ पर क्यों सर? घबराओ नहीं, ये हमारा पूछताछ का अपना तरीका है। लाश के अलावा हमें सबके ऊपर शक करना पड़ता है। पहले हम सबूत ढूंढते हैं और जब सबूत हमारे हाथ में आ जाता है तो हम उस आदमी को फांसी क्यों सर? कल रात एक आदमी को यहाँ देखा होता सर। वो मेम साहब का गला दबाता होता, बोलता था हम इसको जान से मार डालेगा। सर मेरे मेरे को लगता है उसी ने मेम साहब को मारा होगा। तुम उस आदमी को पहचान सकते? यस सर। वेरी गुड, यही है बाप्टिस्ट सर, यही है वो। इंस्पेक्टर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नो नॉनसेंस, यू आर अंडर अरेस्ट। बाय। उस लड़की के कत्ल के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस लड़की का कत्ल हो गया? ओह गॉड। इंस्पेक्टर साहब, इसका सर जाना बिल्कुल सही है। अगर कल ये ऐन वक्त पर यहाँ नहीं आया होता तो मैंने इस लड़की को जान से मार दिया होता। लेकिन मैं कातिल को सबूत के समेत गिरफ्तार कराऊंगा। सबूत? जी 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 सबूत, क्योंकि कल मैं यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर छोड़कर गया था। उस वक्त ये लड़की जिंदा थी। इसका मतलब कातिल मेरे जाने के बाद आया, करेक्ट? करेक्ट। और यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नजर नहीं आती। तुम मतलब ये हुआ कि कातिल लड़की को पहले से जानता था, करेक्ट? करेक्ट। और ये इन दोनों की बातचीत हुई होगी, करेक्ट? वो बातचीत उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई होगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। टेप रिकॉर्डर की तरह मैं देता ना। वेरी गुड, वेरी गुड, गो गो। इंस्पेक्टर साहब, मैं कल यहाँ पर नीचे छोड़ के गया था। हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो? जी नहीं, बेवकूफ बनाने की बात नहीं, आप मुझ पर यकीन कीजिए। देखिए, आप कमाल करते हैं, आप मेरा हाथ चलो। तो तुम्हारा मतलब है कातिल और उस लड़की की जान पहचान थी, करेक्ट? जी करेक्ट। टेप रिकॉर्डर में दोनों की आवाजें रिकॉर्ड हुई होंगी, करेक्ट? जी बिल्कुल करेक्ट। नॉट करेक्ट। अब क्यों खींचे यहाँ? ये पकड़ो। मेरे जीते जी मेरे दोस्त को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कौन हो तुम? कौन हूँ? चंबल के पानी से पूछो कि मैं कौन हूँ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की माँ से पूछो जो मेरा नाम लेकर अपने बच्चों को डराती है। और अपनी मौत से पूछो जो तुम्हारा हाथ रिवॉल्वर तक पहुंचने से पहले आ जाएगी। वो तुम्हें बताएगी कि हम कौन है। मर जाओ, मरो। और नाक की डंडी से सीधे चलते रहो और अगर घूम के हमारी तरफ देखने की कोशिश की तो उसे छलनी कर दूंगा। चलो। क्या मेकअप किया था मैंने! डायलॉग पता नहीं किस फिल्म के थे लेकिन अच्छे थे। मुझे खटका था कि तुम फंसोगे। क्या सफाई से निकाला है तुम्हें? निकाल लाया। क्यों? फांसी का फंदा डाल दिया मेरे गले। कैसे? अभी तूने इतना भी नहीं सोचा? भागते वो हैं जो गुनहगार होते हैं। नहीं सोचा? ये कैसे हो सकता है? मैं ये पॉइंट कैसे भूल गया? ठीक है, तो अभी आराम से बैठकर सोच लेते। अब तो जेल में बैठ के आराम से सोचेंगे। अरे जेल में बैठकर क्यों सोचेंगे? अबे मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ, अरे मैं तेरी सूरत ऐसी ऐसी बदल दूंगा, ऐसी ऐसी बदल दूंगा कि पुलिस वाले खुद तुमको रोक कर पूछेंगे तुमने रमेश को यहाँ से भागते हुए तो नहीं देखा। एक दिन तो हुआ ऐसा, सुनता था मैं चोर न था फिर भी पकड़ा जाता। दिन तो हुआ ऐसा, सुनता था मैं चोर न था फिर भी पकड़ा जाता। धोखे से बुजुर्गों का भरता न तो क्या करता, क्या मेरी खता जो मुझसे हुआ कोई काम उल्टा सीधा। ऐ खुदा ऐसा मैंने क्या किया,
तेरी दुनिया है मुझसे खफा। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐसा मैंने क्या किया, तेरी दुनिया है मुझसे खफा, तेरी दुनिया है मुझसे खफा, तेरी दुनिया है मुझसे खफा। बाजी बाजी क्या है शोभा? ये देखिए बाजी। तो गारत करे इन अखबार वालों को, रमेश और डाकू, मेरा भाई और कातिल, ये कभी नहीं हो सकता। शोभा शोभा तू तो उसे प्यार करती है ना, क्या तू उसे नहीं पहचानती? इसलिए मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है बाजी कि क्यों मैंने रमेश पर शक किया। मैं तो इस लायक भी नहीं कि उसे माफी मांग सकूं। ये सिद्धिविनायक मंदिर का प्रसाद है, मेरे हाथ से वो लेगा नहीं, आप उसे अपने हाथों से खिला दीजिए। मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है, बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ। रख इसे। मिस शोभा राय, आप यहाँ? आपको मालूम नहीं ये एक 420 कातिल डाकू वगैरह वगैरह की बहन का घर है। शोभा जी अगर आपको यहाँ किसने देख लिया तो आपके खानदान की 36 गज लंबी कानूनी नाक टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आपकी इज्जतदार आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये क्या बेहूदगी है रमेश? कुछ नहीं बाजी, मैं तो मिस शोभा राय से बात करने की जरूरत कर रहा हूँ। चुप कर, बकता ही चला जा रहा है। देखो भैया, जिसके दिल में प्यार का चांद उतरा हो वो बहुत खुशकिस्मत है, और तुम इस चांद की तौहीन कर रहे हो जिसने तुम्हारे दिल में उजाला किया। चलो उठ, अब ये प्रसाद इसे खिला दे। उठ ना। मैं नहीं खाऊंगा। इसके हाथ से प्रसाद नहीं खाएगा तो मेरे हाथ से जूते खाएगा। चल खा, खिला इसे। बाजी मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। जब तक मुस्कुराए कि मैं नहीं खाऊंगा। बाजी, 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 ये प्रसाद है क्या? अरे भाई प्रसाद खिला। हमें खबर मिली है कि कातिल रमेश सक्सेना आपके घर में है। अगर आपको खबर मिली होगी तो ठीक ही होगी। देख लीजिए, देख लीजिए ना। नमस्ते। रमेश को ढूंढने आए हैं। दैट किलर, वो हत्यारा जिसने अपनी बीवी को मार डाला, क्या वो यही है? हाँ। ये दूसरी चाय किसके लिए है? ये मेरे लिए है, लेकिन अगर आप पीना चाहे तो शौक फरमाइए, लीजिए। जी, जी मैं चाय नहीं पीता। बहुत बुरा करते हैं आप। क्या सचमुच आप उस हत्यारे को ढूंढने आए हो? जी। आप यहाँ परेशान हो रहे हैं और वो कहीं और बैठ के चाय पी रहा होगा। हाँ आप भी चाय पीजिए ना। हाँ। पी ही लीजिए। सर, सुनिए रमेश, तुम यहाँ? सर मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। आई एम सॉरी सर, मेरा पीछा पुलिस कर रही है सर। सर इस मुसीबत में मुझे आपके सिवा और कोई नजर नहीं आया सर। अजीब पागल आदमी हो, इस तरह पागलों की तरह भागते फिरने की बजाय सबसे पहले तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। आखिर जिस आदमी ने मेरे मुर्दा मिल को जिंदा किया हो वो चाहे खूनी ही क्यों ना हो, मैं उसे फांसी पर तो नहीं लटकने दूंगा। सर ये खून मैंने नहीं किया है, और मुझे इतना यकीन है कि वो औरत किसी न किसी के इशारे पर ये नाटक कर रही थी। यही जानने के लिए मैं उसके कमरे में टेप रिकॉर्डर छोड़ के आया। टेप रिकॉर्डर? जी टेप रिकॉर्डर। उसी टेप रिकॉर्डर को लेने के लिए तो मैं उस दिन उसके कमरे में गया था ताकि उनकी बातचीत से कोई सुराग निकाल सकूं, लेकिन इस मुसीबत में फंस गया। टेप रिकॉर्डर कहीं पुलिस के हाथ में तो नहीं पड़ गया? सर अगर पुलिस के हाथ में पड़ गया होता तो मैं यूं भागता क्यों फिरता? लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो टेप रिकॉर्डर उस बदमाश वेटर के हाथों पड़ गया है। अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए तो मैं उस वेटर बच्चे को मार मार के उस टेप रिकॉर्डर को छीन के पुलिस के हवाले कर दूं। इस तरह दिन दहाड़े जाओगे, पुलिस होगी वहां पर, शाम ढले जाना और जरा सूरत बदल कर। चलो मैं समझाता हूं। ओह
जहाँ भी जाओ पुलिस पीछे पड़ी, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? तू घबराता क्यों है? अरे घबराने की गल है, असली थोड़ी कॉल है। साली नकली ताली लगा के सरदार बनती है, दुखा होगा क्या? देखो तुम दोनों यहाँ झगड़ा करना बंद करो, तुम आहिस्ता से पीछे चले जाओ और पीछे की सीढ़ी से ऊपर चले जाओ और उस वेटर को ढूंढने की कोशिश करो, मैं इस इंस्पेक्टर के बच्चे को संभाल लेता हूँ। लेकिन संभालने की बात, मैं इसको संभाल लेता हूँ, तुम जाओ जाओ ना। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर रमेश सक्सेना, हमारे इन्फॉर्मर ने हमें पहले ही बता दिया था कि आज तुम नकली दाढ़ी लगा कर आओगे। नकली दाढ़ी? कौन हो तुम? देखिए मेरा नाम है सपन कुमार अवस्थी, मैं प्ले राइट डायरेक्टर राइटर एक्टर हूँ। और नकली दाढ़ी? पहले पहले मुझे खत्म करने दीजिए। मैं एमए पास एलएलबी फेल हूँ। मुझे बताइए कि इंडियन पिनल कोड में कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का सिटीजन नकली दाढ़ी लगा के घूम नहीं सकता? आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर रहे हैं। अगर मैं आपकी रिवॉल्वर को पकड़ लेता तो क्या होता? आप हाथ डालते रहते हैं लोगों और डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर नॉट गुड थिंग्स, समझे ना? याद रखिए जी, याद रखिए। ये बेटा खून हो गया, किधर? ऊपर चलो। अब तुम्हारे कानून किया है हमें, तो यहाँ से जल्दी भाग लेते हैं। चलो जल्दी, जल्दी। आदेश है, लेकिन लोग मुझे फंसाएंगे। साले दाढ़ी, ये भी मजाक करने का वक्त है? मजाक करने के लिए क्या अमृत निकालना पड़ता है? अबे उस वेटर का मर्डर हो गया। मर्डर? मर्डर तूने किया होगा, तूने किया होगा, तेरा गुस्सा बहुत खराब है, जरूर तूने किया होगा। अबे मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? किसने भी किया, लेकिन इल्जाम मुझ पर ही आएगा, समझ? इंस्पेक्टर पुलिस। ओहो मिस्टर फंडामेंटल राइट, यू आर राइट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मर्डर भी मैंने नहीं किया है, लेकिन आप मैं जानता हूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। चलिए दोस्त, अपना वचन पूरा करो दोस्त। जाने ना पाए, पकड़ो उसे। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, ऊपर आप, ऊपर आप, सीढ़ियों से पीछा करो, जाओ। लाश किधर गई? लाश किधर गई? लाश? भाई साहब आपने लाश को भागते हुए देखा है? लाश? लाश को भाग? I'm sorry, आप जाइए। खून, ये आदमी। शोभा, शोभा बाजी, बाजी शोभा, शोभा कहाँ गई? तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार डाला? अगर पहले मारता तो इल्जाम मेरे सर जाता। कौन? शोभा, तुम यहां? आप तो सोच में पड़ गए होंगे कि मैं यहां कहां। दरअसल मैं रमेश को बहुत चाहती थी, मगर उस मतलबी और धोखेबाज के साथ जिंदगी तो नहीं बिता सकती, है ना? इसलिए तो मैंने सोचा
कि वो नहीं तो और सही। दुनिया तो हैंडसम, स्मार्ट और रिच लोगों से भरी पड़ी है, तो मैं किसी और के साथ जीकर क्यों ना देखूं? क्या ख्याल है? जब भी तो मैंने सोचा कि आप बिल्कुल अकेले होंगे, क्यों नहीं हम एक दूसरे के तन्हाई में दिल बहलाए। Cheers. Cheers. Hey!
मालूम शोहर होए, पहली तो मैं बूझ ही गया। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, अकेली भी हो, लेकिन तुम हो सिर्फ रमेश की। और यहां तुम मेरी तलाश में नहीं आई हो, तुम आई हो उस कैसेट रिकॉर्डर की तलाश में। रमेश मेरा पार्टनर था, तो उसकी गर्लफ्रेंड पर मेरा भी थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। बचाओ, खूबसूरत लगती है यार। लाओ अभी आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब इल्जाम रमेश के सर जाएगा, तुम्हारे पति रमेश के सर। तुम जैसे सीधे लड़के बहुत देखी है, तुम जैसों को संभालना मुझे। कितनी खूबसूरत हो तुम, लेकिन अफसोस अब ये खूबसूरती बेकार जाएगी। आई हैव नेवर रेप्ड अ गर्ल बिफोर, ये तजुर्बा भी होना चाहिए ना। इसका तजुर्बा भी होना चाहिए तुझे। आराम से तुम बड़े काम के आदमी थे रमेश थे। लो तुम्हें थे कह दिया, लेकिन थे होने से पहले इस लड़की की तरफ देखो, जो तुम्हारी बीवी नहीं बन सकेगी। अरे तुम भी आ गई। हाँ तुम्हारी मौत हो ना, इसलिए तुम जहां होगे मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। रमेश 10 साल पहले इसने मुझे भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, मेरे इनकार का बदला इसने मेरे शौहर से लिया। बात तो तुम सही कह रहे हो, वो बेवकूफ मुझसे पूछने आया था कि मैंने उसकी बीवी पर बुरी निगाह डालने की हिम्मत कैसे की। वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ था रमेश, तो फिर तुम्हें था कह दिया। लेकिन स्वर्गीय मिस्टर रमेश सक्सेना होने से पहले खूबसूरत लड़की की तरफ एक निगाह डाल लो, जो तुम्हारी बीवी बनते बनते मेरे बिस्तर की चादर बनने जा रही है। कमीने, मेरे ख्याल में यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने इस भाई के साथ ही स्वर्गवासी हो जाओ। मार 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 पुलिस के हवाले करने से पहले मैं तुझे 2000 जूते मार लगाऊंगा। जल्दी कीजिए, मुझे भी इस हरामजादे को मारना है। Stand in the queue and wait for your turn. No, I cannot wait. You have to wait. I cannot. Why not? I know. इसको गोली किसने मारी? मैंने। गिरफ्तार कर लो इसे। ये बंदूक किसकी है? मेरी है। इसको भी गिरफ्तार कर लो। अरे व्हाय, सरकारी काम में टांग अड़ा तो इसको भी गिरफ्तार कर लो। व्हाट? यस इंस्पेक्टर साहब, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। इज राइट, ठीक कह रहा है। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, वरना सरकारी अफसर से बात करने का मजा चखा देता तुमको। गंजे गंजे तुम्हें मालूम है ये गंजा कौन है? ये चीफ जस्टिस है, मिस्टर रॉय। चीफ जस्टिस रॉय, आई एम सॉरी सर। और मैं इनका होने वाला दामाद हूँ। और मैं इनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी इंस्पेक्टर। रमेश सर शोभा की शादी में जरूर आना। हम कौन होते हो इनवाइट करने वाले? इंस्पेक्टर साहब चुप है, चुप है। जाओ, मैं कौन होता हूँ? अरे तुम बेटी के बाप हो तो मैं बेटे का बाप हूँ। जाओ
तुमने मेरे घर को अपने बाप का घर कहा था ना? जी कहा था। अब देखा बाप कैसा होता है। चुप रे। आपको और मुझको ये मानना ही पड़ेगा कि उल्टा कभी सीधा भी हो जाता है, लेकिन आप ट्राई मत कीजिएगा, हो सकता है आप उल्टे ही रह जाएं। चुरा के दिल को ले गई दखन की एक हसीना, गुलाब सी खिली हुई शबाब में ढली हुई, चुरा के दिल को ले गई।